सर आपका साउंड नहीं हो। अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा शायद, नेटवर्क इशू की वजह से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। फिर से जो बाद में ऐड हुए हैं सभी को जय हिंद, नमस्कार लीडर्स। आज का सेशन एवरेज बिजनेस ट्रेनिंग पे आज वेबिनार लेने जा रहे हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करने वाले हैं। साथ में जो नए हैं उनके लिए भी नए जानकारी के साथ में इस वेबिनार में हम कंटिन्यू करेंगे, और जो पुराने हैं उनके लिए भी नए कुछ अपडेट के साथ में इस वेबिनार में हम जानेंगे। साथ में हम इस एवरेज सिस्टम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें हम लोग कैसे आगे बढ़ा करके उसमें हम एक पैसिव इनकम के रूप में बना सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। साथ में लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, जो लास्ट में रखा जाएगा, जिसमें आपके अगर सवाल होंगे तो वन बाय वन करके कुछ सवालों को लेने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों की समस्या दूर हो जाए, जिससे काम करने में आप लोगों को सुविधा हो। तो अगर पूरी तरीके से मेरे स्क्रीन आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा हो और साथ में मेरी आवाज अच्छे से अगर सुनाई दे रहा हो तो आप लोग चैट बॉक्स में 10 टाइप करें ताकि मैं मीटिंग को कंटिन्यू करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, देख जहां तक देख पा रहा हूं आप लोगों का सबका आंसर आ रहा है। चैट बॉक्स को देख लेता हूं एक बार अच्छे से। दो जगह स्क्रीन दिख जा रहा है, इसके वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है टेक्निकल थोड़ा सा। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले डिस्क्लेमर को जानेंगे कि हमारे कंपनी एवरिच एपीआई यूजी पे में हम लोग अगर वर्क कर रहे हैं तो सभी को डिस्क्लेमर अच्छे से जानकारी होने चाहिए, क्योंकि अगर हम काम करते हैं तो इसके टर्म ऑफ कंडीशन जरूर जानना चाहिए, तभी जान करके हम आगे काम अगर करते हैं तो पूरी तरीके से सजग रहते हैं कंपनी के प्रति और अपने काम के प्रति। तो इससे मैं डायरेक्ट हिंदी में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि ताकि आप लोग इसे अच्छे से आप समझ पाएं। इसमें कंपनी के टर्म ऑफ कंडीशन है कि हम लोग ऑनलाइन पोर्टल पर वर्क करते हैं, एवरेज यूजी पे, और ऑनलाइन पोर्टल पे वर्क करते हैं, सारे काम ऑनलाइन के ऊपर ही है और हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और हम सभी उपभोक्ताओं को मतलब बताना चाहते हैं कि अगर आप विड्रॉल, डिपॉजिट और किसी भी तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं, सभी आपके प्रोफाइल और किसी तरीके से डाटा, इस पे सारा चीज इसके कंपनी के एवरेज कंपनी के अंदर पे ऑनलाइन के माध्यम से आप अगर करते हैं तो पूरी तरीके से सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि कंपनी के हित में अगर आप काम करते हैं, उसके अलावा अगर कोई ऐसा आप काम करते हैं, कोई ऐसा एक्टिविटी करते हैं जैसे बैक ऑफिस में, डैशबोर्ड में जैसे, तो अगर इस तरीके से काम करते हैं तो कंपनी के खिलाफ होगा। कंपनी आपको किसी भी तरीके से कंपनी के एम्प्लॉय, मैनेजमेंट टीम या लीडर्स मेंबर, लीडर प्रमोटर या एम्बेसडर, आपके आईडी और पासवर्ड या किसी भी थर्ड पार्टी को आपको आईडी और पासवर्ड नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। बहुत सारे जैसे आप देखे होंगे कि लीडर दे करके और
कुछ लीडर ऐसे हैं जो सही तरीके से प्रमोशन न करके उसको गलत तरीके का कर देते हैं, तो ऐसा अगर करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी। और साथ में अगर आप कंपनी के अगर आईडी पासवर्ड किसी को देते हैं तो खुद जिम्मेदार होंगे। और साथ में अगर आप एक ही आईडी पे कई पार्टनर्स मिल करके अगर आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो ये कंपनी के खिलाफ है। इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर आप लॉस होता है, अगर आईडी पासवर्ड किसी को देते हैं तो लॉस होता है। इसमें किसी तरीके से इन्वेस्टर या पार्टनर्स, लीडर्स, कोई भी या कंपनी जिम्मेदार नहीं होगा, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसलिए आप लोग पूरी तरीके से इस पे जानकारी ले करके आप किस तरीके से पासवर्ड को सेफ रखना है, आप खुद खुद से आपको रखना है, ताकि आपका नुकसान का सामना ना करना पड़े। कुछ टेक्निकल समस्या हो रही है जिसके वजह से थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बहुत जल्द सही हो जाए। जी, जो पहली बार इस वेबिनार में शामिल हुए हैं और पहली बार देख रहे हैं, तो एक छोटा सा परिचय से शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम ध्रुव कुमार है, मैं एवरेज इन्वेस्टर काउंसलिंग मेंबर इंडिया अभी इस पोस्ट में हूँ। साथ में न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी पार्टनर प्रोग्राम के प्रेसिडेंट पोस्ट में हूँ। मास्टर ट्रॉफी ग्रेजुएट 1 और 2 बहुत ही बेहतरीन कोर्स होता है, इस कोर्स को मैंने किया है। साथ में इंटरनेशनल स्पीकर, प्राइवेट इन्वेस्टर, इंटरप्रेन्योर और डायरेक्टर ऑफ एफ आई इंडिया एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्पेशलिस्ट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, ग्रेजुएट MLCI मैराथन 260। बहुत ही अच्छा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम MLCI का हुआ था, उस 260 दिनों का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया और इसमें बहुत नए नए चीज़ों को सीखने को मिला। जब भी इस तरीके से मौका कंपनी की कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता है तो ज़रूर आप लोगों को करना चाहिए, बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है। ग्रेजुएट जीनियस ऑफ फाइनेंस गेम, इसमें भी जीनियस ऑफ फाइनेंस का गेम होता है। ये गेम बहुत सारे इंडियंस लीडर्स के पास आ चुके हैं, तो ये गेम जब सभी तरीके से सिचुएशन सही हो जाएगा तो हम लोग जा करके इस गेम को खिलाएंगे और सभी को बताने की कोशिश करेंगे। साथ में बहुत सारे ऐसे जानकारी हैं जो मैं पर्सनली रूप से आप लोगों को कॉल बैक कर पाना मुश्किल हो पाता है और सबको बता पाना मुश्किल हो पाता है फ़ोन से। तो हमने कोशिश करता हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, एवरेज कंपनी का प्रमोटर है। तो आज इस मीटिंग में शुरू करने से पहले इसीलिए छोटा सा परिचय बताया। मैं इस कंपनी में शुरुआत 2017 में किया था, नवंबर महीने के अंदर, और 2017 से लेके कंटिन्यू इस कंपनी में कार्यरत हूँ। और अभी आपने देखा, जैसा कि बताया, मैं अभी जो पोस्ट में हूँ और बहुत सारे चीज़ यहाँ आकर के सीखा। मैंने एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब कर रहा था, मेरा एक नॉर्मल लाइफ चल रहा था, लेकिन इस सिस्टम आकर के बहुत सारे चीज़ ऐसे मैंने सीखा जो बाकी जगह पे मुझे ऐसा जानकारी नहीं मिला था। इसलिए इस सिस्टम को मैंने चयन किया और इस सिस्टम में मैं फुल टाइम के रूप में काम करने का निर्णय लिया और कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। ये सिस्टम ऐसा है कि आप लोगों को यहाँ से अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं जीरो से लेकर के, क्योंकि वेल्थ से रिलेटेड आपको विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग लेकर के आप धीरे धीरे अग्रसर होंगे आगे की ओर, अपने लाइफ की ओर। तो आज इस मीटिंग को शुरू करने से पहले, इस ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से पहले कुछ आज जानेंगे, जैसे ड्रीम्स, इसके बारे में मतलब जानेंगे, और कैश फ्लो कोऑर्डिनेट के बारे में, एवरेज इकोसिस्टम, पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी, इनकम प्लान ऑप्शन, हम इनकम भी इसमें किस तरीके से कर सकते हैं, एवरेज ट्रेनिंग पैकेज, उस पैकेज को भी इसमें लेकर के हम कर सकते हैं, द अल्टीमेट मेमोरी जोगार, इसके बारे में जानेंगे, 90 डे बिजनेस कनेक्शन सिस्टम, नेक्स्ट स्टेप और क्वेश्चन एंड आंसर लास्ट में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम ड्रीम पे बात करेंगे। कोई भी काम को अगर आप करते हैं, जहां आपका मंजिल है उस मंजिल तक अगर आपको जाना है, तो आप मंजिल
को पहले उसको ड्रीम में सोचना पड़ेगा कि हमको यहाँ तक जाना है। जैसे आप अगर मान लीजिए कि अगर छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ रायपुर से आप अगर दिल्ली जाना है, अगर दिल्ली आपको पता है कि दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली किसी ने किसी माध्यम से आप पहुंच जाएंगे, समय जो भी लग सकता है, फ्लाइट से पहुंचे, ट्रेन से पहुंचे, बस से भी पहुंच सकते हैं, बाई कार भी पहुंच सकते हैं, बहुत सारे माध्यम हैं। लेकिन अगर आपका गोल ना हो, सपना ना हो कि मेरे को जाना कहाँ है, तो हो सकता है कि आप मुंबई चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं, या फिर नागपुर साइड चले जाएं, कहीं भी जा सकते हैं अगर आपका जानकारी नहीं है कि हमको जाना कहाँ है। तो आप खुद इसे विचार करके, आप अपने चिंतन मनन करके आप ऐसा ड्रीम बनाइए कि हमको इस मंजिल तक जाना है। फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है कि सभी को फाइनेंशियल फ्री होना है, तो इस राह में चलने के लिए समय भी लगता है, प्लस में कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ता है, कुछ चीज़ों को सीखना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके इस सिस्टम के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो आप लोग गोल अभी तक नहीं बनाए होंगे तो जरूर अपना गोल सेट कर लीजिए और गोल को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव करने की कोशिश करिए। जैसे आप तीन तरीके से गोल डिसाइड करिए, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल और मिडिल टर्म गोल। तो सबसे पहले आप शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करिए। शॉर्ट टर्म गोल अगर आपका अचीव हो जाता है तो मिडिल टर्म गोल पे फोकस करिए, फिर लॉन्ग टर्म गोल। तो इस तरीके से आप काम को अगर धीरे धीरे करते जाएंगे तो अब सारे आपके सपने पूरे होते जाएंगे और धीरे धीरे आप अग्रसर हो जाएंगे अपने लाइफ की ओर। रॉबर्ट कियोसाकी, बहुत बार आपने इस सुना होगा, हमारे एवरी सिस्टम में इसे कई बार हम लोगों ने प्रमोट किया है, कई बार बताने की कोशिश किया है। इसमें चार श्रेणी में बटा होता है। पहला वर्किंग, जो IBCE तीन चार फॉर्म में होता है, और बिजनेस होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, इन्वेस्टर होता है। तो वर्किंग में उन लोग आते हैं जैसे एम्प्लॉय होते हैं, जो पैसे के लिए काम करते हैं। जब तक काम करते हैं तब तक पैसे आते हैं, काम बंद पैसा बंद। जैसे कि आप अभी कोविड काल में देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हो गए, उनके पास जॉब चले गए, तो कहीं ना कहीं वो पैसे जब तक काम कर रहे थे तब तक उनको पैसे आ रहे थे, तो वर्किंग पे आएंगे। और दूसरा होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो दूसरे पे डिपेंड है, तो एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत आते हैं। जब तक उसमें 100% देते हैं तब तक उनके पैसे आते हैं। और एक बिजनेस होते हैं, बिजनेस में खुद के बिजनेस चालू कर सकते हैं और खुद उसमें 100% देने होते हैं। और लास्ट में होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में वो लोग आते हैं जो अपने पैसे को पैसे कमाने के लिए लगा देते हैं, वो उनके लिए पैसा काम करता है। अगर इस तरीके से काम करते हैं तो इंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन भी इसमें आते हैं और उनके लिए पैसे काम करता है। तो आप सभी को इस श्रेणी में आना, हर कोई चाहता है, लेकिन इस श्रेणी में आने के लिए भी कुछ एजुकेशन से गुजरना होता है, बहुत सारे चीज़ों को सीखना होता है, क्योंकि हम लोग जीरो से शुरुआत करके डायरेक्टली इस अगर श्रेणी में आते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान करके बैठ जाएंगे, तो फिर दोबारा इस श्रेणी में नहीं आने की कोशिश करेंगे। तो कंटिन्यू इस श्रेणी में आने के लिए हम लोग अग्रसर रहेंगे और सीखते रहेंगे। तो हमारे वर्किंग वर्किंग श्रेणी और इंटरप्रेन्योर के श्रेणी, इन लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जब तक काम करते हैं तब तक पैसे आते हैं। लेकिन बिजनेसमैन और जो इन्वेस्टर है, ये श्रेणी वो श्रेणी होता है जो पूरे जितना पैसा है उस पैसे का 90% इनके पास पैसा है और ये पैसे इनके लिए काम करते हैं। यही अंतर है कि आज पूरे जितना पूरे दुनिया में पैसा, उस पैसा में मात्र 10% लोग, 10% लोग 90% पैसे में राज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस श्रेणी में जाने के लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ेगा, प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगा। और इस तरीके से कोई भी प्लेटफॉर्म, स्कूल, कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है। यही कारण है कि हम लोग आज तक इस टाइप के प्लेटफॉर्म को नहीं जान पाए, नहीं सीख पाए। लेकिन एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एवरेज सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को इस श्रेणी में जाने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। तो हम लोग सीख करके इस श्रेणी में धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। तो आप लोग भी अगर एवरेज सिस्टम में आते हैं और आ करके अगर अपने लाइफ को बेहतर बनाते हुए इन्वेस्टर श्रेणी में आना चाहते हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे करके सभी लोग आ जाएंगे। अपॉर्चुनिटी फॉर MLCI इंटरप्रेन्योर, हम MLCI के माध्यम से इंटरप्रेन्योर बन करके इस अपॉर्चुनिटी में आकर के बहुत सारे चीज़ों
को सीख करके लाइफ को बेहतर कर पाएंगे। एवरेज इकोसिस्टम क्या है, एक तरह से ग्रुप ऑफ कंपनी बोल सकते हैं। एवरेज सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंपनियों का समूह है, जैसे एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, इसमें एजुकेशन जो मैंने बताया कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाया जाता है। कंपनी एवरेज कंपनी का मिशन है कि पूरे आबादी का, जितना आबादी है उस आबादी का 15% लोगों तक इस वेल्थ एजुकेशन को पहुंचाना है, ताकि पैसा उनके लिए कैसे काम करे, किस तरीके से वो अपने लाइफ को बेहतर बना पाए और अपने अपने लाइफ को बेहतर बना करके दूसरे को लाइफ को कैसे हेल्प कर पाए, ये सारे चीज़ इस सिस्टम के माध्यम से सीखते हैं। तो एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, इसमें विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ में यूगेन, यूगेन ऐसा प्लेटफॉर्म आने वाले समय पे तैयार होने जा रहा है, बहुत जल्द इसका लॉन्चिंग होने वाला है। सितंबर में इसके बहुत सारे नए अपडेट्स आ जाएगा। तो यूगेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग जितने इसमें जुड़े रहेंगे, सभी लोग वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंपनियों को इसमें मर्ज होगा, बहुत सारे कंपनी इसमें मर्ज होते जाएंगे और उस सभी कंपनी इसमें प्रमोट कर पाएंगे, बहुत सारे यूजर होंगे और अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर पाएंगे। साथ में पेमेंट सिस्टम इसमें लगा रहेगा, उस पेमेंट सिस्टम का अगर यूज करेंगे तो यूगेन का प्रॉफिट भी वहाँ से जनरेट होगा और जो यूगेन में पार्टिसिपेट होंगे उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से यूगेन के फायदा होगा। और साथ में ILC लीगल कंसल्टेंटी सर्विसेज, ये भी आने वाले समय पे ये भी इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ में हम लोग NDA डिजिटल गारंटी इसमें भी काम करने वाले हैं, बहुत जल्द इसका इंडिया में भी देखने को मिलेगा। कंपनी का इस तरीके से मिशन है कि सभी प्लेटफॉर्म में हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ें। तो NDA एक डिजिटल गारंटी ऐसा होगा, जिसके पास WCRU रहेंगे वो इस प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कंपनी उस देश में सबसे पहले स्टार्ट करेगा जो NDA के पैकेज 15,000 मेंबर इंक्लूड हो जाएंगे, उस देश में सबसे पहले ये शुरुआत होने वाला है। तो बहुत जल्द इटली में चालू हो गया है, होने वाला है। इसके बाद भारत में भी कोशिश हम लोग करेंगे कि बहुत जल्द इस प्लेटफॉर्म को लाएं, ताकि लोग जिनकी ज़रूरत है WCRU रख करके और लोन के माध्यम से बहुत ही चंद समय में ले करके अपने लाइफ को आगे अग्रसर करने में मदद कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा इसमें रेवेन्यू जनरेट होने वाले हैं, आने वाले समय में बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। इसमें जो भी बेनिफिट होंगे उसके भी हम लोग सब भागीदार होंगे, पार्टनरशिप होंगे, को ओनर होंगे। साथ में एजुकेफे भी वर्ल्ड वाइड बहुत सारे जगह एजुकेफे चालू हो गए हैं। इंडिया में भी दो तीन जगह हम लोग बात करके रखे हुए हैं, लेकिन कोविड काल के वजह से हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। बहुत जल्द आप लोगों को सुनने को मिलेगा एजू कैफे के बारे में। और यूजी पे जो स्विप्स स्विप्स कंपनी विथ राइट टू लिस्ट WCRU STO, इसी के तहत यूजी पे के तहत हम लोगों को WCRU का लिस्टिंग हुआ है, जो STO बेस्ड सिक्योरिटी कमीशन एक्सचेंज से STO बेस्ड जो सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग के तहत वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड होगा। आने वाले समय में इसका रेट और भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, इसमें पार्टिसिपेट होकर के अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत और भी हमारे एवरेज इकोसिस्टम में और भी बहुत सारे कंपनियां अभी इंक्लूड हैं। बहुत सारे कंपनियों का अभी वैल्यूएशन नहीं हुआ है, अगर होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े हम लोग कंपनी पे वर्क कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इनोवेशन बसाल टेक्नोलॉजी है। बसाल टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, यहाँ से हम लोग जिस तरीके से अभी लोहा का वर्क होता है, लोहा से बहुत सारे काम होते हैं, फाइबर स्टील ये सब से बहुत सारे काम होते हैं, उसी तरीके से बसाल टेक्नोलॉजी है। बसाल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये आने वाले समय में लोहे और स्टील का जगह ले सकता है। बहुत हल्का होता है, टिकाऊ होता है, सस्ता होता है और इसमें किसी तरीके से कोई जंग नहीं लगता है। तो ये कंपनी बहुत जल्द इसमें कई जगह पे इसका शुरुआत करने वाली है और इसका रॉ मटेरियल भी इजिली अवेलेबल हो जाता है और आसानी से कम लागत पे ज़्यादा बेनिफिट इसमें होगा। और जो भी बेनिफिट होगा पूरे दुनिया में प्रोजेक्ट जहाँ भी लगेगा उसमें बेनिफिट जितना भी होगा उसमें हम सभी उसके बेनिफिट के हकदार होंगे। इसी तरीके से डायमंड्स, जो सिंथेटिक डायमंड्स प्रोडक्शन हो रहा है अभी भी, इससे भी बेनिफिट हम लोगों को आते हैं। इसी तरीके से यूरल गोल्ड, जो यूरल गोल्ड है, यूरल गोल्ड से भी हम लोग उस पर भी वर्क करते हैं, गोल्ड माइनिंग का, इसमें भी हम लोग का ओनरशिप है, इसमें भी बेनिफिट मिलते हैं। सपा होटल्स तंजा, ये हम लोगों को होटल है जो
फुकेट थाईलैंड में है और बेलारूस में भी हम लोगों की होटल्स हैं, तो वहां से जो भी रेवेन्यू आ रहे हैं और आने वाले समय में और भी होटल को एक्सपांड किया जाएगा, उसकी प्लानिंग हो गया है, तो वहां जो भी बेनिफिट होगा उसके भी लाइफ टाइम के सभी लोग ओनरशिप के तहत बेनिफिट के हकदार होंगे। इसी तरीके से ब्लॉकचेन सिस्टम, हमारे ब्लॉकचेन सिस्टम कंपनी हम लोग के खुद की ब्लॉकचेन सिस्टम है जो बहुत ही बेहतरीन रूप से आने वाले समय पे यूनिक टेक्नोलॉजी लेकर के ब्लॉकचेन सिस्टम आ रहा है। इसमें सभी लोग जितने इन्वॉल्व होंगे और उसमें जो भी बेनिफिट होगा उसके भी हम लोग बेनिफिट ले पाएंगे। यहाँ पे ग्लोबल यूनिट पे आप देख पा रहे हैं, ग्लोबल यूनिट पे ब्लॉकचेन सिस्टम बेस पे एक पेमेंट सिस्टम होगा जो पूरी तरीके से ब्लॉकचेन पे आधारित होगा और जितना भी एक्सचेंज है वो सभी लोग यूज करेंगे, बाकी सभी अदर लोग भी यूज करेंगे ब्लॉकचेन सिस्टम पे आधारित ब्लॉकचेन बेस पे पेमेंट्स गेटवे को। तो यहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा इसका विशेष प्रमोशन हमारे दुबई में होने वाला है, जो दुबई का आपके अक्टूबर महीने में जो वहाँ पे एक्सपो होने वाला है उसमें विशेष रूप से ग्लोबल यूनिट पे को वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। तो वहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड इस सिस्टम को लोग जान पाएंगे और इसका यूज कर पाएंगे, जितने ज्यादा इसको लोग यूज करेंगे उसका बेनिफिट हम सब लाइफ टाइम ले पाएंगे ओनरशिप के तहत, साथ में एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर इसकी एजुकेशन लेकर के हम लोग अपने लाइफ को बेहतर बनाएंगे। जीनस ऑफ फाइनेंस गेम ये बहुत ही बेहतरीन गेम है, इस गेम के माध्यम से हम लोग लाइफ को, रियल लाइफ को, कहाँ कहाँ हम लोग गलती करते हैं, जैसे हम लोग के पास पैसे रहता है लेकिन पैसे को हम लोग जल्दबाजी के चक्कर में कहीं इन्वेस्ट करके या फिर नुकसान का सामना कर लेते हैं और हम लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन इस गेम को आप अगर खेलते हैं तो खेलने के बाद ये सारा जानकारी आपको होगा कि हम अपने लाइफ में कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। इसी तरीके से केजी क्लब प्रोडक्शन, हमारे कंपनी के तहत केजी क्लब के प्रोडक्शन के तहत मूवी बनेगा, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व भी हो सकते हैं किरदार के रूप में, और साथ में इसमें जो भी मूवी बनने के बाद जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी बेनिफिट होगा लाइफ टाइम के लिए, हम सब उसके बेनिफिट के हकदार होंगे। तो ये बहुत जल्द चाइना और इंडिया में, बहुत जल्द इससे इंडिया और चाइना में मूवी उसके प्रेजेंट होने वाले हैं, इस पे काम चल रहा है। अगर कोविड नहीं आया होता तो अब तक बहुत सारे काम हो गए रहते, लेकिन कोई बात नहीं, कोविड आने के बाद भी काम चालू है, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। साथ में एजू कैफे, एजू कैसे जैसे सुशी मास्टर, पिज्जा बर्गर ये जिस टाइप से काम करते हैं उसी तरीके से एजू कैफे के तहत भी हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें भी हम लोगों को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और यूगेन में जैसा मैं बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन में भी आएगा और बहुत सारे डिस्काउंट भी इसमें मिलेंगे, सभी इसमें मर्चेंट होंगे और इसका भी बेनिफिट हम लोग लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। और ब्लॉकचेन को मैं बताया है कि ब्लॉकचेन के माध्यम से हम लोग पार्टिसिपेट होंगे, तो सबसे पहले इसमें कोई भी पार्टनर अगर इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे पहले वो क्लाइंट्स बनते हैं, फिर बिजनेस प्रोफेशनल के रूप में, साथ में कोनर्स के रूप में इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं हमारे जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं उस पे। हमारे ब्रांड्स जो हैं, ब्रांड्स इन योर इकोसिस्टम, हमारे ब्रांड्स हैं इसमें क्या खासियत है, हमारे ब्रांड्स जो हैं ये यूनिक हैं और ये विशेष सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और साथ में मल्टीपल इनकम का स्ट्रीम जनरेट करते हैं। हमारा सिस्टम, इकोसिस्टम जो है, योर इकोसिस्टम, इसमें यूनिक हमारे हैं मल्टीपल इनकम सोर्स, मतलब कई कंपनियों का समूह है जो अलग अलग देशों में है। कई बार क्या होता है कि कोई एक प्रोजेक्ट में आप पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट अगर अच्छे से काम नहीं करता है तो कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारी कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट पे अलग अलग देशों पे शिफ्ट किया है कि ताकि किसी भी देश में अगर किसी तरीके से क्राइसिस आ जाए, किसी तरह से नुकसान का सामना करना पड़े तो बाकी जगह पे बाकी प्रोजेक्ट वहां से अच्छा ग्रो करता है, वहां से अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। इस तरीके से आने वाले समय में कंपनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में और भी उसके बेनिफिट मिलेंगे, तो हम लोग मल्टीपल इनकम का स्ट्रीम जनरेट करते हैं। और साथ में एडिंग वैल्यू ऑफ द मार्क एंड द सॉल्विंग मार्केट प्रॉब्लम, हम लोग अलग अलग सभी फील्ड को कवर कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों की जरूरत है वहाँ पे कहना चाहिए लोगों की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उस पर विशेष रिसर्च करते हैं, हमारी टीम रिसर्च करती है और उस पर हम लोग काम करके उस सेक्टर को काम उस सेक्टर पे हम लोग काम करते हैं। साथ में
यूनिकॉर्न कंपनी विद वेरी हाई मार्केट शेयर पोटेंशियल। इसमें बहुत सारे मतलब पोटेंशियल है, ये अभी विशेष शुरुआत है, इतने बड़े कंपनियों का समूह है, एकदम अपार संभावनाएं हैं इसमें ग्रोथ करने का, आगे बढ़ने का, और इसमें पार्टिसिपेट होकर के अपने आप को एक विशेष मुकाम तक, ऊंचे मुकाम तक पहुंचने का। कम्युनिटी एंड द यूजर ऑर्गेनाइज, ये भी बिल्कुल कम्युनिटी बेस्ड है, हमारे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, अभी के डेट पे लगभग 16 लाख प्लस की कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो 176 देशों में अभी चल रहा है। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी में काम करने का जो सुनहरा अवसर मिलता है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से प्लेटफॉर्म कहीं अन्य सेक्टर पे मिल पाएगा। तो बिल्कुल ही यूनिक है, इसमें हम लोग कई तरह से आ सकते हैं। मुख्य रूप से हम लोग तीन तरह से हम लोग इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। पहला, पार्टनरशिप के तहत हम लोग इसमें आ सकते हैं, दूसरा एजुकेशन के तहत इसमें आएंगे, और तीसरा को ओनरशिप के तहत। तो तीनों तरह से हम लोग इसमें पार्टिसिपेट होकर के इस कंपनी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर हम पार्टनरशिप बनते हैं और पार्टनरशिप के तहत अगर हम किसी और अन्य व्यक्ति को इन्वॉल्व अगर कराते हैं, तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, किस तरीके से हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उस पर आप हम विचार आज करेंगे और उस पर हम आगे बात करेंगे। अगर मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, मेरे अगर आवाज भी क्लियर है, तो चैट बॉक्स में 10 टाइप करिए, क्योंकि मैं कंटिन्यू समय ना गमाते हुए कंटिन्यू कोई भी बात को रखता हूँ। तो हो सकता है कि कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनको बात पसंद ना आए, उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि सबको मेरी बात को समझ में आ जाए। तो आप लोग चैट बॉक्स में, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लीडर्स लिख रहे हैं कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है, क्योंकि समय ना लेते हुए मैं पॉइंट टू पॉइंट बात रखता हूँ। तो अगर आप इसमें एवरेज सिस्टम में अगर आते हैं, तो लीडर्स के रूप में अपना करियर बना सकते हैं, लीडर बन करके। इसमें लीडर में कई अलग अलग पायदान होते हैं, उस पायदान को आप अगर प्राप्त करते हैं, तो उस पायदान पे प्राप्त करके आपके नीचे अगर स्ट्रक्चर अगर काम करती है, तो उसके बेनिफिट आप ले पाएंगे वो लाइफ टाइम के लिए, कुछ इस तरीके से बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आप यूजर सबसे पहले रहते हैं, यूजर में आप अगर दूसरे को इन्वॉल्व कराते हैं, जैसे मैं आज इसमें इन्वॉल्व हुआ, आज मैं इस कंपनी में ज्वाइनिंग कर लिया, इसके बाद अगर किसी अन्य व्यक्ति को बताता हूँ सिस्टम के बारे में, क्योंकि यूनिक सिस्टम है, वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस बात को अगर किसी व्यक्ति को बताता हूँ, अगर मेरे साथ अगर ज्वाइनिंग करता है, तो सबसे पहले मैं यूजर रहूंगा, तो यूजर बन करके भी मैं 30 से लेकर के 500 यूनिट तक मैं कमा सकता हूँ, उससे ज्यादा भी कमा सकता हूँ, ये महीने का इनकम है, महीने का हम लोग इतना कर सकते हैं, आपके काम के ऊपर है। अगर इसके बाद हम और काम को बढ़ाते हैं, तो क्लाइंट का ऑप्शन आएगा, क्लाइंट में भी हम 50 से लेकर के 1000 यूनिट तक हम इसमें काम करके यूनिट कमा सकते हैं। उसी तरीके से पार्टनर्स का पोस्ट होता है, पार्टनर अगर आप हम बनते हैं, तो पार्टनर में 30 से लेकर के 1500 यूनिट तक हम इसमें कमा सकते हैं। एजेंट अगर पोस्ट में रहते हैं और आपके नीचे काम होता है, तो तभी कमाएंगे। बहुत सारे लीडर्स ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं तो सर मैनेजर बन गया, लीडर मैनेजर बन गया, लेकिन इतना कमा नहीं रहा हूँ। तो इसका रीजन यही है कि आपके नीचे एक्टिव पार्टनर्स नहीं है। अगर एक्टिव लीडर्स रहेंगे, उनके आपके नीचे काम होंगे, तो आप कंटिन्यू कमाते रहेंगे। एजेंट अगर आप रहते हैं, तो 50 से लेकर के 2000 यूनिट की इनकम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कंसल्टेंट पोस्ट में रहते हैं, तो 300 से लेकर के 5000 यूनिट तक की आप इनकम कर पाएंगे। मैनेजर के पोस्ट में 1000 से लेकर के आप यहाँ पे 30000 तक यूनिट तक कमा सकते हैं। अगर आप लीडर मैनेजर हैं, तो 5000 से लेकर के 50000 यूनिट तक आप कमा सकते हैं। टॉप मैनेजर के पोस्ट में हैं, तो यहाँ पे 10000 से लेकर के 80000 यूनिट तक कमा सकते हैं। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, 50000 से लेकर के 1.5 लाख यूनिट तक आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, इनकम बना सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट पोस्ट में हैं, तो आप यहाँ पे 10000 यूनिट से लेकर के यहाँ पे आप 1 लाख यूनिट से भी ज़्यादा आप इनकम कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका काम होगा नीचे में और आपके लीडर्स एक्टिव रहेंगे, तब सारे इनकम आप कर पाएंगे। तो ये बहुत सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा एक करियर आप लीडर्स बन के भी बना सकते हैं, और इसमें कुछ इस तरीके से इनकम मिलता है। इनकम को भी जान लीजिए, अगर आपका
आप वेल्थ बनाना चाहते हैं, अच्छा से आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको प्री प्लानिंग के तहत आपको टीम स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और उस पे आप अगर काम करते हैं तो जाहिर सी है कि अच्छा इनकम आप इसमें कर पाएंगे। अगर आप यूजर हैं तो, अगर यूजर हैं तो आप पहले लेवल में 5%, दूसरे में 3% और तीसरे लेवल में 2% कमा पाएंगे। टोटल मिला करके आप 10% तक का इनकम कर पाएंगे। यानी आपके नीचे कोई मेंबर ज्वाइनिंग करता है 100 रुपये दे करके, अगर 100 रुपये दे करके आप ज्वाइनिंग करता है, तो आप उस व्यक्ति से अगर पहले लेवल में है तो आप उसका 5% कमा पाएंगे, यानी 5 रुपये। लेकिन आपके ऊपर जो व्यक्ति होगा वो दूसरा लेवल में होगा, वो 3% कमाएंगे, उसके ऊपर एक मेंबर होंगे वो 2% कमाएंगे। इस तरीके से आप 5% और आपके ऊपर वाले को 5% गया। इसी तरीके से अगर आपके नीचे आप दो मेंबर को ज्वाइनिंग कर लिए, पहला मेंबर को, उसके नीचे एक और, उसके नीचे एक और, यानी तीसरे नंबर पे आप लगाते हैं, तो वहां से आपको 2%, दूसरे लेवल से 3% और पहला लेवल से 5% इनकम होगा। यानी टोटल आप 10% का इनकम ही कर पाएंगे अगर आप यूजर पोस्ट में है तो। उससे ज्यादा अगर तीसरे लेवल के बाद कोई ज्वाइनिंग करता है तो उसकी इनकम आपको नहीं मिलेगी। अगर उस इनकम को भी आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको टीम स्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ा करके आप क्लाइंट्स में बन जाएंगे। जैसे ही क्लाइंट आप अगर आप बनते हैं तो आपका फर्स्ट लेवल में 6%, दूसरे लेवल में 4% और तीसरे लेवल में 3% का इनकम कर पाएंगे, चौथे लेवल में 2% का इनकम कर पाएंगे। टोटल मिला करके आप 15% का इनकम कर पाएंगे पार्टनर्स। इसी तरीके से आप अगर आते हैं तो 7% पहले लेवल में, दूसरे लेवल में 5%, तीसरे लेवल में 4%, चौथे लेवल में 2% का इनकम कर पाएंगे। टोटल मिला करके आप 21% इनकम कर सकते हैं। अगर आप एजेंट बनते हैं तो एजेंट में आपका खुद का वॉल्यूम 200 यूनिट का होना चाहिए। ये साइड में आप देख पा रहे हैं 10, 50 और इसके बाद 200 खुद का वॉल्यूम, यानी खुद की आईडी 200 यूनिट का आप रहता है, तभी जाके आप एजेंट बनेंगे। एजेंट बनने के बाद आप पहले लेवल में 8%, दूसरे में 7, तीसरे में 5, चौथे में 4 और पांचवें में 3% लेवल का इनकम ले सकते हैं। टोटल आप 27% का इनकम ले सकते हैं। उसी तरीके से आप कंसल्टेंट लेवल में आप अगर जाते हैं तो आप 500 यूनिट का खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्लस में पहला लेवल में 8%, दूसरे में 8, तीसरे में 5, चौथे में 4, पांचवें में 3 और 6 से लेके अनलिमिटेड, मतलब जितना भी 6 के बाद आपका टीम बनता है उसमें 2 से लेके 4% का इनकम कर पाएंगे। टोटल मिला करके 32% का इनकम कर पाएंगे, यानी एक मेंबर से 32% का इनकम आप ले सकते हैं। उस तरीके से आप जितना मेंबर ज्वाइनिंग कराते जाएंगे इनकम लेते जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार 32% लिए इनकम बंद, ऐसा नहीं है। आप जितना लोगों से करना चाहते हैं एक मेंबर से आप 32% की इनकम ले पाएंगे। अगर आपके 6वां लेवल में लगा है और आप इसी तरीके से इनकम ले पाएंगे, पहला लेवल का अलग इनकम ले पाएंगे, दूसरा का अलग, तीसरा का अलग, जहां से आपका इनकम आ रहा है, अगर सभी लेवल में आपके मेंबर हैं तो सभी लेवल से आपका इनकम आते रहेगा, हाईएस्ट 32% आ सकता है। इसी तरीके से मैनेजर पोस्ट में है तो आपका 1000 यूनिट का खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और फर्स्ट लेवल में 8%, दूसरे लेवल में 8%, तीसरे लेवल में 5% और तीसरे लेवल में 5%, चौथे लेवल में 4, पांचवें में 3 और 6 से लेके अनलिमिटेड जितना भी लेवल आएगा उसमें 4 से लेकर के 6.5% का लेवल इनकम मिलेगा। टोटल 34.5% का इनकम मिलता है। इसी तरीके से लीडर मैनेजर, टॉप मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सभी में 1 से लेकर के 5 तक का इनकम सेम रहेगा, लेकिन 6 से लेकर के अनलिमिटेड वाला इनकम है वो लीडर मैनेजर में 6 से लेकर के 6.5 से लेके 8% मिलेगा, टोटल 36%। टॉप मैनेजर में 8 से लेकर के 9% यानी 37% मिलेगा। वाइस प्रेसिडेंट पे 9 से लेकर के 10% का इनकम यानी 40% मिलेगा। इसी तरीके से अगर प्रेसिडेंट पोस्ट में है तो 10 से लेकर के 12% का इनकम मिलता है, यानी 40% का आप इसमें इनकम कर सकते हैं। अगर आप प्रेसिडेंट पोस्ट में बनते हैं तो आप 40% का इनकम ले सकते हैं। तो आप इसमें अपने करियर को बना करके अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर हम टीम बनाते हैं, टीम बनाने के बाद दो तरह से हमारे पार्टनर्स आते हैं। पहला,
ऐसे पार्टनर्स जो एक्टिव रहते हैं और दूसरा ऐसे पार्टनर जो एक्टिव नहीं रहते हैं, ज्वाइनिंग करके छोड़ देते हैं, किसी अन्य काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या तो उनके पास समय का अभाव की वजह से वो उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इनकम के क्या ऑप्शन हैं अगर हम इस तरीके के दोनों पार्टनर में से आते हैं। तो पहला है पैसिव पार्टनर्स, यानी जो काम नहीं कर पाएंगे उनके लिए क्या होगा। अगर जो काम नहीं कर पाएंगे अपनी इसमें इन्वॉल्व होकर के छोड़ देते हैं, तो लिमिटेड नेटवर्क कमीशन, मतलब वो कमीशन आपको लिमिटेड ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा अगर आप काम नहीं करते हैं तो। लॉयल्टी बोनस आपको मिलेगा, प्रोजेक्ट रिलेटेड इनकम जैसे स्टेकिंग, ट्रॉफी बोनस और भी जितने भी बोनस रहेंगे सारे चीज़ आपको मिलेंगे। लेकिन जो एक्टिव पार्टनर्स हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, उनके लिए अनलिमिटेड नेटवर्क कमीशन, अनलिमिटेड इनकम बना सकते हैं। आपके नीचे जितना टीम बनेगा उस टीम का आप अनलिमिटेड लेवल तक का इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं। तो अनलिमिटेड इनकम कमीशन लेने का मौका मिलता है, एक्स्ट्रा लॉयल्टी बोनस भी मिलता है, एक्स्ट्रा मिलेगा, साथ में वीआईपी क्लब मेंबरशिप बोनस है तो अभी समाप्त हो गया है लेकिन अभी मिल रहा था पहले। लोकल और रीजनल काउंसिलिंग मेंबर में आ सकते हैं, आने वाले समय में बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट को भी अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, उस डिपार्टमेंट को भी संभालने के लिए लोगों की जरूरत होगा। तो सबसे पहले लोकल लीडरशिप काउंसिलिंग में आ सकते हैं, फिर रीजनल काउंसिलिंग में आ सकते हैं, अम्बेसडर काउंसिलिंग में आ सकते हैं, जैसा मैं अभी अम्बेसडर पोस्ट में हूँ, अम्बेसडर काउंसिलिंग मेंबर में हूँ तो इसमें भी आ सकते हैं, इस डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, साथ में प्रोजेक्ट रिलेटेड इनकम भी कर सकते हैं जैसे स्टेकिंग, प्रॉफिट बोनस रिलेटेड, और प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्स्ट्रा बोनस भी कमा सकते हैं। जैसा कि मैं बताया कि आने वाले समय में बहुत सारे कंपनी के प्रोजेक्ट चालू होंगे, उस प्रोजेक्ट को अगर आप कंपनी के थ्रू अगर इनरोल करवाते हैं या तो उस प्रोजेक्ट को आप संभालते हैं तो उसके आप एक्स्ट्रा इनकम के हकदार होंगे। इस तरीके से आप अगर एक्टिव पार्टनर्स हैं तो बहुत सारे इनकम के सुनहरे आपके मौके हैं। इसी तरीके से अगर एवरेज ट्रेनिंग पैकेज है, इस पैकेज को आप लेते हैं तो बहुत सारे आपके बेनिफिट होंगे। इसमें जैसे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इस टाइप से हैं। अगर सभी पैकेज को आप लेते हैं तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट होंगे, लाइफ टाइम उसके बेनिफिट के हकदार होंगे। साथ में लीडरशिप ट्रेनिंग भी होता है, इस ट्रेनिंग के तहत बहुत सारे कोर्स आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये सारे कोर्स ले पाएंगे। और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भी कोर्स होता है, तो लेवल 1 का आप कोर्स करना चाहते हैं, इस कोर्स में इन्वॉल्व होने के लिए आप 1500 यूनिट से आप पार्टिसिपेट होकर के आप इन्वॉल्व होते हैं तो आप इस लेवल में आकर के सारे एजुकेशन को आप यहाँ से सीख पा सकते हैं, साथ में अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं कॉर्नर के तहत। दूसरा लेवल 2 में अपना लेवल 2 के सारे एजुकेशन आप ले पाएंगे अगर आप 500 यूनिट से शुरुआत करते हैं तो। आप इसी तरीके से लेवल 3 में आप अगर आते हैं तो 1500 यूनिट आपके मिनिमम होने चाहिए, तो आप लेवल 3 के जितने भी एजुकेशन हैं सब ले पाएंगे। जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं मार्क किया गया है लेवल 3 में, इससे पहले वाला में मैं बताया, यहाँ देख सकते हैं सारे एजुकेशन आप लेवल 3 के ले पाएंगे। लेवल 4 के सारे, अगर लेवल 4 में आ जाते हैं यानी चौथे लेवल में आ जाते हैं, 300 यूनिट से आप अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं इस कंपनी पे, तब सारे एजुकेशन के हकदार होंगे। इसमें जितने भी एजुकेशन आप देख रहे हैं सारे एजुकेशन आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेते हैं और पूरी जानकारी लेकर के अपने वेल्थ को बढ़ा पाएंगे। अगर आप सारे चीज़ों को अगर बढ़ाना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम प्लानिंग के तहत काम करना होगा। प्लानिंग आप कई तरीके से कर सकते हैं, 10 दिन का प्लान कर सकते हैं, 30 दिन का प्लान कर सकते हैं, 60 दिन का कर सकते हैं, 90 दिन का। तो आपके प्लानिंग के ऊपर आप उस पे काम अगर करते हैं तो आपका अचीवमेंट होगा अच्छा, आप टीम बढ़ा पाएंगे, आपका टीम का बेनिफिट ले पाएंगे। सारे चीज़ अगर प्लानिंग के साथ करते हैं तो उसके बेनिफिट आपको अच्छा खासा मिल पाएगा। अगर 10 दिन का प्लान आप करते हैं तो इसमें लेवल ऑफ कोर्स होता है, एक्शन प्लान क्रिएट कर सकते हैं, क्लाइंट लिस्ट, इसमें क्लाइंट का लिस्ट बना सकते हैं, मिनिमम स्ट्रक्चर आप वॉल्यूम 1000 यूनिट का इसमें क्रिएट कर सकते हैं, MLCI का ट्रेनिंग ले सकते हैं पार्टिसिपेट होकर के, तो खुद का एक 1 बुक बना सकते हैं, मतलब 10 दिनों के अंदर इतना कर सकते हैं आप। इसी तरीके से 30 दिन के आप एक प्लानिंग लीजिए, जैसे लेवल 2 कोर्स है, वो 2 कोर्स के तहत आप इसमें इन्वॉल्व होइए,
और साथ में लोगों को भी इन्वॉल्व कराइए। एक्शन प्लान की डेवलपमेंट और टीम गोल की सेटिंग, इसके बारे में सारे सारे चीज़ों को सीखिए और अपने टीम को भी सिखाइए। और नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन, कम से कम आपका प्रेजेंटेशन 50 से लेकर 150 होना चाहिए 30 दिन के अंदर। अगर 50 से लेकर के अगर 150 प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंटेशन करते हैं मेंबर के पास में, तो आपका अच्छा खासा मतलब वहाँ पे टीम भी बनेगा और अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा, जहाँ से वॉल्यूम आप 5,000 यूनिट का वॉल्यूम कर सकते हैं। उसमें कम से कम 5 एजेंट की कोशिश करिए कि 5 एजेंट मैं बना पाऊँ। अब बोनस यहाँ से 3 से लेकर के 1,000 यूनिट तक कर सकते हैं। MLCI ट्रेनिंग, इवेंट्स, पार्टिसिपेट, सभी को जितने भी कंपनी के ट्रेनिंग इवेंट होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सभी में पार्टिसिपेट होइए, वहाँ से जानकारी लीजिए। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जितना भी लिटरेसी है सभी एकत्रित करके रखिए, ताकि आप अपनी टीम को बता पाए। बहुत सारे लीडर्स ऐसे रहते हैं जो ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं लेकिन उनके पास कुछ भी जानकारी के लिए नहीं रह पाता है और ना ही वो लेते हैं। तो जानकारी आप इकट्ठा करके रखिए, किसी अन्य व्यक्ति को आप बताएंगे, अगर आपके पास रहेगा तभी तो बता पाएंगे। अगर आपके पास नहीं रहेगा तब दूसरे को इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो आपके पास ये जरूर होना चाहिए। इसी तरीके से आप 60 दिन का भी प्लान बनाइए। लेवल 3 का कोर्स है, उसमें इन्वॉल्व होइए। टीम कोचिंग ट्रेनिंग सारे चीज़ लीजिए और अपने टीम को बनाइए। और नंबर ऑफ प्राइवेट टीम प्रेजेंटेशन कम से कम 150 से लेकर के 500 तक करिए। मिनिमम स्ट्रक्चर का वैल्यूम है 10,000 यूनिट तक का आप रेवेन्यू जनरेट करिए। उसमें 5 कंसल्टेंट की कोशिश करिए कि 2 महीने के अंदर 5 कंसल्टेंट बन जाए। अब बोनस कम से कम आपको वहां से अर्न हो जाना चाहिए कम से कम 600 से लेकर 2,000 यूनिट, ताकि आप अच्छे से और काम को कर सकें। और रीजनल डेवलपमेंट प्लान, आप प्लान के तहत आप काम करिए। आप अपने टीम जो बना लिए हैं उस टीम को कार्यभार दीजिए, वो टीम आपके लिए नीचे काम करे, वो भी अपना स्ट्रक्चर उसी तरह टाइप से प्री प्लानिंग के तहत उन लोग भी अपना प्लान बनाए और उन पे काम करें। ऑन कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग, खुद से आप सीखने के बाद खुद से कॉन्फ्रेंस लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, ताकि उनको बताएं। और उसी तरीके से आप लीडर जनरेट करिए, लीडर बनाइए। बिजनेस लीडरशिप और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जितना भी लिटरेसी है सबको जानकारी लीजिए, लिटरेसी अपने टीम को भी दीजिए। इसी तरीके से 90 दिन का जो प्लान है, 90 दिन का प्लान बनाइए। 90 दिन के प्लान के तहत आप चौथे कोर्स में कम से कम पहुंचिए, उतना कम से कम 3,000 का खुद के इन्वेस्टमेंट तक पहुंच जाइए। उस टाइप से आपको वर्क करने पड़ेंगे, जहां से इनकम होगा उस इनकम को भी धीरे धीरे इनकम के तहत ही आप बढ़ पाएंगे। अगर एक भी इनकम नहीं कर पाएंगे तो आप दिलचस्पी उतना नहीं रख पाएंगे। आप अगर काम करेंगे, आपके अगर इनकम आने लगेंगे तो दिलचस्पी रखेंगे और काम को बढ़ा पाएंगे। नंबर ऑफ प्राइवेट टीम प्रेजेंटेशन कम से कम 500 से लेकर के 1,500 प्रेजेंटेशन और टीम स्ट्रक्चर बढ़ाइए। मिनिमम स्ट्रक्चर वैल्यूम है कम से कम 2,000 से लेकर के 20,000 तक यूनिट तक कम से कम वैल्यूम को जनरेट करिए। तो इतना तक आप करते हैं और कम से कम 3 मैनेजर आपके स्ट्रक्चर में आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 90 दिन के अंदर अगर ऐसा करते हैं तो 1,500 से लेकर के 5,000 यूनिट तक आप यहां से इनकम जनरेट कर सकते हैं। रीजनल प्लान और इंडिविजुअल टीम प्लान डेवलपमेंट करिए। और मैनेजिंग ऑन कॉन्फ्रेंस, खुद से मैनेज कॉन्फ्रेंस करिए, मीटिंग करिए, ट्रेनिंग करिए और अपने लीडर से भी कराइए इसी तरीके से, ताकि वो डुप्लीकेशन हो सके। रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करिए, कम से कम 50, 100, 50, 10, 20 जितने भी लोग हैं उस पे कॉन्फ्रेंस में शामिल कीजिए। तो उसमें खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो अदर लीडर्स, जैसे लीडरशिप काउंसलिंग मेंबर, लोकल लीडरशिप काउंसलिंग मेंबर, एम्बेसडर, किसी को भी इन्वॉल्व करा सकते हैं और अपने उस स्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद ले सकते हैं। बिजनेस लीडरशिप और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लिटरेसी कलेक्ट करिए, अपने टीम को भी डिस्ट्रीब्यूट करिए। इस तरीके से आप प्री प्लानिंग के तहत अगर आप काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका प्लानिंग होगा। तो आप कुछ इस तरीके से प्लान आप खुद से एक्सेल शीट में बनाइए या कॉपी पेन में बनाइए, जैसे भी बनाइए, लिख करके, जैसे सीरियल नंबर हो गया, डेट हो गया, यूजर नेम हो गया, अगर ज्वाइनिंग हुआ है तो, नहीं हुआ है तो उसको ज्वाइनिंग कराना है, मोबाइल नंबर लिख के रखिए, व्हाट्सएप नंबर रख के रखिए और क्या वो चाहता है उससे पूछिए, उसके बारे में जानकारी उसमें लिख करके रखिए, उसका ईमेल आईडी रखिए और कब मिले थे, कहाँ मिले थे उसको भी लिख करके रखिए।
और क्या बोले थे, कब बात करने के लिए बोले, वो सारे चीज को लिख करके रखिए। और अगर वो पार्टनर्स बने आपके साथ, इन्वॉल्व हुए कि नहीं, अगर हुए तो कब हुए, सब चीज डेट बाय डे, डेट बाय डेट अगर आप लिखते हैं सारे चीज को, अगर विधिवत आप काम करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने टीम को बढ़ा पाएंगे। मेमोरी, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो लगता है उनको कि मैं किन को इन्वॉल्व कराऊं, तो उनके लिए इस टाइप से अपॉर्चुनिटी को देख करके आप समझ सकते हैं कि आप घर से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे घर से रिलेटेड, जैसे फादर मदर, इनसे शुरुआत कर सकते हैं, इनके रिलेटिव जितना होंगे उनसे शुरुआत करेंगे, फिर फादर इन लॉ हो गया, मदर इन लॉ हो गया, फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो गया, उनसे चिल्ड्रंस, ब्रदर, सिस्टर, अंकल अंकल आंटी हो गया, निशेष हो गया, निफेस, क्वेश्चन हो गया, सबसे मतलब आप शुरुआत करके अच्छा खासा टीम को धीरे धीरे सीख करके आप आगे को बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास है जैसे करेंट रेडिस बुक, ऑनलाइन कॉन्टेक्ट मैनेजर, इससे भी आप ऑनलाइन के माध्यम से ले सकते हैं। अभी तो बहुत सारे MLM डायरी से भी आप कॉन्टेक्ट निकाल करके उनको फोन कर सकते हैं, ये सब माध्यम भी है। ईमेल एड्रेस के तहत उनको मेल भेज सकते हैं, कंपनी की जानकारी भेज सकते हैं, फोन के तहत कॉल कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड बना करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आप उसको इन्वॉल्व करा सकते हैं। सोशल मीडिया के तहत जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, इसके माध्यम से भी आप लोगों तक पहुंच सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के। बहुत सारे माध्यम हैं, आपके काम करने की बस लगन होने चाहिए। काम कहीं से शुरुआत किया जा सकता है, धीरे धीरे आप काम करते जाएंगे, काम ही आपको काम को सिखा देगा कि किस तरीके से आपको करना है, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया है। काम करते गया धीरे धीरे, करते करते ही अपने काम को आगे बढ़ा पाया और काम को कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। इसी तरीके से क्लोज फ्रेंड आपके जितने भी होंगे, उसमें फ्रेंड और रिलेटिव जितने हैं वो सबको लिस्ट बनाइए, मेंबर हो गया, और इसी तरीके से सबको इन्वॉल्व करा सकते हैं। और बिजनेस में जैसे उसमें जैसे ऑटो मशीन हो गया, अकाउंटिंग हो गया, बैंकर्स हो गए, इनसे भी कर सकते हैं, कार, बेबी सीटर्स, चिल्ड्रन केयर प्रोवाइडर, इनसे भी मिल सकते हैं, कार डीलर से, इससे भी मिल सकते हैं, डेंटिस्ट से मिल सकते हैं, और डॉक्टर से मिल सकते हैं, हेयर सैलून वाले से बात कर सकते हैं, जहां आप जाते हैं उनसे बात करिए, हाउसकीपर से बात कर सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट से बात कर सकते हैं, आपके पास जितने लोग आते जाते हैं उनसे आप बात करते जाएंगे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो जो इस अपॉर्चुनिटी को समझेगा वो इस अपॉर्चुनिटी में इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व हो करके वो आप अच्छा खासा इसमें अपना पैसे इनकम बना पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप के तहत MLCI जो MLCI कोर्स है उसको हम लोग जानेंगे, अटेंड कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग। हम लोग जब आप खुद सीख लेते हैं, सीखने के बाद दूसरे को कॉन्फ्रेंस के तहत अटेंड कराते हैं या ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड, खुद ट्रेनिंग लेकर के दूसरे को ट्रेनिंग देते हैं। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। और अगर सही तरीके से 90 दिन का प्लान को अगर फॉलो करते हैं, सही तरीके से आप करते हैं, तो जरूर आप आगे आगे की स्टेप में बढ़ेंगे। और कोई भी काम को करने पे हो सकता है कि थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि कई बार होते हैं कि सफलताएं जल्दी मिल जाती है, कई बार होता है कि सफलताएं मिलने में लेट लगता है, आपके गोल अचीव होने में लेट होता है, तो उससे आप हताश निराश होकर के उस काम को वहीं पे ना रोकें। खास करके इस कंपनी में आप अगर हैं, इस कंपनी में आप बने रहिए, आने वाले समय पे इस कंपनी में बहुत सारे ऐसे अभी चीज आने वाले हैं जो आने वाले समय बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो धीरे धीरे करके सब चीज सुधरते जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल नया नया चीज हो रहा है, नए नए चीजों पे वर्क हो रहा है, तो कहीं ना कहीं समय लग रहा है, तो जिसके वजह से हम लोग कई चीजों से मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं कि पता नहीं किस तरीके से वर्क हो रहा है, क्या आगे हो पाएगा या नहीं। हम लोग पहले सब चीजों को सोचने लगते हैं, ऐसा ना करते हुए हम लोग केवल कार्य पे फोकस करें, अपने कामों पे फोकस करें, तो निश्चित रूप से हम लोग धीरे धीरे अग्रसर होंगे। हम लोग अभी इसमें एवरेज के माध्यम से इन्वॉल्व डब्ल्यू सी आर ई के रूप में लोगों को करा सकते हैं। इसमें डब्ल्यू सी आर ई के रूप में आप अगर इन्वॉल्व होते हैं तो आने वाले समय में डब्ल्यू सी आर ई के रूप में
बहुत ही ग्रोथ होने वाला है WCRU का, और जो भी ग्रोथ होगा उसकी बेनिफिट लाइफ टाइम मिलेगा, क्योंकि WCRU STO बेस पे सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग के रूप में है, और आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन हुआ है, उस वैल्यूएशन के अनुसार लगभग 3 से 4 कंपनियों को मिलाकर के ही अभी 2 बिलियन की अभी कंपनी हो चुकी है अभी का वैल्यूएशन। बहुत सारे अभी कंपनी का वैल्यूएशन नहीं हुआ है, जो कंपनी के मैं बताया बहुत सारे हैं, जैसे बसाल टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे हैं, जैसे किटमार, बसाल टेक्नोलॉजी, किटमार मूवी इंडस्ट्री, टाइल्स इंडस्ट्री और एजू कैफे और भी बहुत सारे, इसके अलावा भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो बहुत बहुत ऐसे कंपनियां हैं जो जिनका अभी वैल्यूएशन नहीं हुआ है। अगर सभी कंपनियों को मिला करके अगर वैल्यूएशन देखा जाए तो बहुत बड़ी वैल्यूएशन निकल करके आएगा, तो आने वाले समय पर WCRU को वैल्यू ऑटोमेटिक बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, इसमें इन्वॉल्व आप हो सकते हैं। इन्वॉल्व होने का आपका थर्ड स्टेप, अभी जो थर्ड स्टेज है वो 10 सितंबर के बाद समाप्त होने वाला है, इसके बाद इसे हम लोग आसानी से नहीं ले पाएंगे, जिस तरीके से अभी आप खरीद रहे हैं वैसे नहीं ले पाएंगे, हम लोग को विशेष ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उस ट्रेनिंग लेने के बाद ही इसमें हम दूसरे को इन्वॉल्व करा पाएंगे और दूसरे लोग इसको आसानी से ले पाएंगे। तो इसमें 10 यूनिट से इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो 13 WCRU इसमें आप लोगों को मिलेगा। इसी तरीके से 100 यूनिट में आप पार्टिसिपेट होते हैं तो 139 WCRU आपको मिलता है, 500 यूनिट से आप शुरुआत करते हैं तो आपको 781 WCRU मिलता है। इसी तरीके से 1000 यूनिट से अगर इन्वॉल्व होते हैं तो अभी 1786 WCRU आपको मिलते हैं, और अगर 2500 यूनिट से इन्वॉल्व होते हैं तो 4808 WCRU मिलते हैं, अगर 5000 यूनिट से इन्वॉल्व अगर होते हैं तो 10417 WCRU आपको मिलेगा, 66% के साथ बेनिफिट के साथ में। तो सारे चीज आप अगर 10 सितंबर तक 2021 तक आप अगर इन्वॉल्व होते हैं तो सारे बेनिफिट को ले पाएंगे, इसके बाद आप सारे बेनिफिट को नहीं ले पाएंगे तो उस कंडीशन में। अभी बहुत ही कंपनी सुनहरा मौका दे रहा है लीडर्स को रूबरू होने का, कंपनी का 7वां सालगिरह दुबई में होने जा रहा है, इस पे आप इन्वॉल्व हो करके कंपनी का वहां पे ऑफलाइन प्रोग्राम के तहत शामिल होकर के सारे जानकारी ले पाएंगे, कंपनी को अच्छे से समझ पाएंगे, कंपनी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं सारे चीजों को देख पाएंगे, कंपनी का आगे का क्या प्लानिंग है सब चीजों को देख पाएंगे। बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जो कंपनी के मीटिंग सेमिनार में अटेंड करने के बाद ही पता चल पाता है, आपको ऑनलाइन के ऊपर केवल वीडियो को देख करके या इवेंट को ऑनलाइन सुन करके जज नहीं कर सकते। कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, बहुत सारे कंपनी के नए नए प्लानिंग्स अभी हैं, सारे प्लानिंग को वहां पे शेयर किया जाएगा, तो आप उस ऑफलाइन के तहत 7वां सालगिरह में दुबई में जाकर के आप सब जानकारी को ले पाएंगे। अभी फाइनल डेट नहीं हुआ है, अनुमानित 12 तारीख से लेकर के 18 अक्टूबर का समय किया गया है, वो अनुमानित है, समय में अभी 2-3 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, जो आपके बैक ऑफिस में एग्जैक्ट सही जानकारी आपको मिल जाएगा, आप बैक ऑफिस देखते रहें वहां से जानकारी आपको मिलेगा कि एग्जैक्ट कब डेट है, तभी जाकर के आप टिकट बाय करें, अन्यथा टिकट बाय नहीं करें। आप इस टिकट को बाय करिए, लेकिन जो फ्लाइट का टिकट है उस फ्लाइट के टिकट को बाय नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आप इस टिकट को ही ना बाय करें, क्योंकि इस टिकट को बाय नहीं करेंगे तो टिकट दोबारा नहीं मिल पाएगा। जब ये टिकट शुरुआत हुआ था आप ग्रुप में मात्र 96 यूनिट से लेकर के आप इसको कर सकते हैं, मैं वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को जानकारी भी दिया था कि ग्रुप में लेकर के आप करिए, तो बहुत ही जल्द वो टिकट समाप्त हो गया। इसके बाद 120 का टिकट था वो भी खत्म हो चुका है, अभी आपके सामने मात्र 250 यूनिट का टिकट है, अभी 100 टिकट है, अभी कुछ और कम हो गया होगा, तो इसमें इन्वॉल्व हो करके आप पूरी जानकारी को ले पाएंगे दुबई जा करके। अगर आप ग्रुप में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 250 यूनिट का टिकट दिख रहा है, अगर ग्रुप में 5 लोगों को मिला के लेना चाहते हैं तो 1000 यूनिट में ले पाएंगे, यानी 200 यूनिट पर मेंबर पड़ता है अगर आप ऐसा लेना चाहते हैं तो। अगर आप खुद लेना नहीं नहीं ले पा रहे हैं तो किसी भी लीडर से संपर्क करके आप ले सकते हैं, आपके पास वॉलेट में
यूनिट नहीं है तो यूनिट भी आपकी व्यवस्था करा दिया जाएगा। आप या तो फिर आईएनआर में भी आप इस टिकट को ले सकते हैं दुबई अटेंड करने के लिए। आप लीडरशिप काउंसलिंग मेंबर, एम्बेसडर, किसी से भी संपर्क करके इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। साथ में बहुत ही सुनहरा कंपनी ने एक इन्वेस्टर कंसल्टेंट और प्रोफी इन्वेस्टर कैटेगरी वन का ट्रेनिंग निकाला है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से ही आप आगे की कंपनी के कामकाज को समझ करके आगे सुचारू रूप से आप चला पाएंगे। अभी क्या हो रहा है, डब्ल्यू सी आर ई को हर कोई व्यक्ति इन्वॉल्व करा पा रहा है किसी अन्य व्यक्ति को, लेकिन आने वाले समय पे अगर ये कोर्स आपके पास नहीं है तो कंपनी का मानना है कि आप कंपनी की सारी जानकारी आपके पास नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं कि कंपनी में किसी भी नए व्यक्ति को कुछ भी कह करके इन्वॉल्व करा देते हैं, जो बाद में उनके लिए काफी नेगेटिविटी हो जाते हैं मेंबर। तो इस तरीके से ना हो, अब इसमें इन्वॉल्व वही हो पाएंगे जो पूरी तरीके से ट्रेनिंग लेकर के प्रोफेशनिस्ट हो। इस टाइप से विशेष कंपनियां ट्रेनिंग लेकर के आ रही है। इस ट्रेनिंग में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो इन्वॉल्व हो करके आप इसमें कर सकते हैं। तो इसमें मास्कोट समय अनुसार 12 बजे आज समाप्त हो जाएगा, यानी रात्रि 2:30 में समाप्त हो जाएगा। तो भारत के समय अनुसार 27 अगस्त हो जाएगा। तो आप इसमें इन्वॉल्व अगर होते हैं तो मात्र 2,000 यूनिट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें किस्त में भी ले सकते हैं। अगर किस्त में आप इन्वॉल्व अगर होते हैं तो किस्त में इन्वॉल्व होने के लिए आपको 800 यूनिट × 4 यानी 4 महीने में आपको 800 800 यूनिट का देना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको 3200 यूनिट पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी से वंचित हो जाते हैं, इसके बाद अगर आप शामिल दोबारा बनाते हैं, शामिल होने का 26 तारीख से लेकर के 7 सितंबर तक आप शामिल होना चाहते हैं, तो आप वहां पे 2500 यूनिट वन टाइम में और 4000 यूनिट इंस्टॉलमेंट में दे करके इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर 7 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक आप अगर शामिल होना चाहते हैं तो 3000 यूनिट दे करके शामिल हो सकते हैं, और शामिल हो करके इंस्टॉलमेंट में भी हो सकते हैं। टोटल 5000 यूनिट लेकिन लगेगा, 1250 × 4 ऐसे आप देते हैं तो आप इसमें इन्वॉल्व हो करके आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं और ट्रेनिंग लेकर के कंपनी के सारे काम काज को समझ करके कंपनी के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज का एक सत्र मेरे तरफ से एक छोटा सा सत्र था, मैं कोशिश किया आप लोगों को बताने के लिए। आगे का सेशन में नए जानकारी के साथ में जरूर मैं दोबारा आप लोगों के समक्ष आऊँगा, लेकिन आप चाहूँगा, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन का। तो अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर सेशन को रखा जाए तो चैट बॉक्स में 10 टाइप करें, ताकि क्वेश्चन आंसर का सेशन अगर रखना चाहते हैं तो 10 टाइप करें, अगर नहीं रखना चाहते हैं, यहीं समाप्त करना चाहते हैं, तो हम इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करके समाप्त करते हैं। स्क्रीन को मैं बंद कर दिया हूँ। हमारे बहुत सारे लीडर्स के सभी के लगभग आ रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन आंसर को रखा जाए, तो आप लोगों को वन बाय वन कोशिश करेंगे कि आपके जो भी सवाल होंगे सभी एक व्यक्ति एक सवाल को एक ही बार पूछ पाएगा। और कोशिश करिए कि सवाल को संक्षिप्त में पूछिए ताकि मैं उसको अच्छे से जवाब दे पाऊँ, और मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे लीडर्स को सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, शायद आपके सवालों के जवाब मिल जाए। बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके जनरली जितने भी वेबिनार होते हैं सब सेम क्वेश्चन रहते हैं। बहुत सारे लोगों के हैं कि फेस एड्रेस है जो हैक हो गए हैं और दोबारा नहीं मिल पाए हैं, तो उनके लिए काम चल रहा है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे आईटी टीम सबसे पहले जो थी वो चेंज होकर के नया आईटी टीम अभी काम कर रही है। जैसे शुरू में
मरिया मैम के दिशा निर्देश में काम चल रहा था। अभी हमारे आईटी टीम चेंज हो गया है और दूसरे के दिशा निर्देश में काम हो रहा है, बहुत अच्छे से काम हो रहा है। उम्मीद है कि 2 से 3 हफ्तों में लगभग जितने भी समस्याएं हैं धीरे धीरे करके सॉल्व कर लिया जाएगा। तो समय लग रहा है, अगर इस तरीके से आपके समस्या है तो आप धैर्य बना के रखना पड़ेगा। इसी तरीके से यूनिटेक एक्सचेंज को लेकर के आपके पास सवाल होंगे, तो यूनिटेक एक्सचेंज में भी बहुत अच्छा अभी काम चल रहा है और उसके भी सपोर्ट सिस्टम में भी काम चल रहा है। साथ में इंडिया के भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे आईटी टीम में आपके समस्या को सुनने के लिए यूनिटेक एक्सचेंज में। तो यूनिटेक एक्सचेंज में भी उसको एक्सपांड किया जा रहा है, बहुत लोगों के लिए केवाईसी से रिलेटेड समस्याएं हैं तो वो भी दूर किया जाएगा। और बहुत लोगों के यूजी पे ग्रुप से संबंधित सवाल होंगे, कुछ लीडर्स के ग्लोबल यूनिट पे के लेकर के सवाल होंगे। ग्लोबल यूनिट पे में कई लोगों को केवाईसी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें भी बहुत जल्द काम चल रहा है बहुत तेजी से। उम्मीद है कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर जितने भी समस्याएं हैं, हम लोग को सारे समस्या लगभग नोट आउट करके रखे हुए हैं। हम लोग सभी समस्याओं को ध्यान है कि क्या क्या आपके समस्याएं हैं। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनके इंडियन INR में विड्रॉल किए हैं यूनिट, वो यूनिट नहीं आ पाए हैं। कुछ लीडर्स हैं जो उनके ब्लॉकचेन में विड्रॉल किए हैं, उनके भी नहीं आ पाए हैं। तो सारे लिस्ट हम लोग के पास है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों के जो भी वैलेट है उस वैलेट में दे दिया जाएगा। आप INR में लेना चाह रहे होंगे तो उसमें भी आपको दे दिया जाएगा। तो इस पर भी काम चल रहा है। अगर ये सारे सवालों के अलावा आपके कोई अगर सवाल होंगे तो आप सवाल को जरूर करें और कोशिश करिए कि एक व्यक्ति जो सवाल करेंगे वो सवाल दोबारा रिपीट ना हो। तो सबसे पहले लक्ष्मण प्रसाद जी से शुरू करते हैं। हेलो जी हेलो हाँ, मैं सर, सुन। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये सर कि जो जी आईडी लगेगी यूएच में लगेगी किसमें लगेगी, WCR परचेज करने के लिए? जी अभी आप अगर इन्वॉल्व होना हो गए हैं और इन्वॉल्व होकर के दूसरे को इन्वॉल्व कराना चाहते हैं, तो आप एवरिज का रेफरल लेकर के दूसरे को अगर इन्वॉल्व कराते हैं तो उससे आप रेफरल इनकम WCR जी यूजी पे में खरीदवाते हैं या यूजी पे में कोई इन्वॉल्व होता है तो उसका बेनिफिट मिल पाएगा आपको। अगर आप बहुत सारे लीडर्स डायरेक्ट अगर कोई इन्वॉल्व होते हैं तो उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। यूजी पे में डायरेक्ट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। एवो रिच के तहत आप इन्वॉल्व कराते हैं रेफरल लेकर के, बेनिफिट आप मिल सर सर जी जो जो अपने जो बैलेट में पड़े हुए हैं अपने यूनिट, ये काम आएंगे इसमें ज्वाइनिंग में नहीं आएंगे? नहीं, वो आपके WCRU में काम नहीं आएंगे। उस यूनिट को आप ब्लॉकचेन में लेकर के आप उसका विड्रॉल कर सकते हैं या फिर उसे INR में ले सकते हैं अगर 50 यूनिट से ऊपर है तो, या कोई कंपनी के पैकेज जैसे इवेंट का सर पैकेज यूनिट और कहाँ से भी। मिलेंगे फिर हमें? जी, सर यूनिट कहाँ से मिलेंगे फिर यूनिट आपके लीडर से ले सकते हैं अगर यूनिट आप लेना चाहते हैं तो। आप खुद से करना चाहते हैं तो ब्लॉकचेन के माध्यम से आप ब्लॉकचेन में जैसे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ले सकते हैं। अगर मास्टर कार्ड वीजा कार्ड आपके पास है तो आप खुद से खरीदी कर सकते हैं, खुद से इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। चलिए? जी सर, यूनिट का रेट क्या चल रहा है सर? एक यूनिट यूनिट का रेट का, कितना है सर? यूनिट का आप खुद से आप वैलेट में जब ऐड करेंगे खुद के कार्ड से, सबके कार्ड के अलग अलग बैंक होते हैं, अलग अलग बैंक के चार्जेस अलग अलग होते हैं, तो उसके अनुसार वहां पे तय होगा। आप खुद से इसको ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास कौन सा बैंक है और किस बैंक को यूज करते हैं तो उसके अनुसार आपका चार्जेस कटेंगे, या फिर कौन सा एक्सचेंज का यूज करके आप क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं तो उसका भी अलग अलग चार्ज कटते हैं, तो इसका फिक्स सर प्राइस नहीं ये होता। लगा सर लगभग कितना जी सर, लगभग सर कितना रेट आएगा? 90 रुपये, 100 रुपये? नहीं, 70 से लेकर के 80 के बीच में आना चाहिए अप्रोक्स। जी सर जी ठीक है, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद लक्ष्मण जी।
अब हमारे साथ में हैं विशाल कुमार मिश्रा जी, अनम्यूट करिए विशाल जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार विशाल जी। सर डब्ल्यू सी आर का जो डिविडेंड्स मिल रहा है सर जी, वो आया नहीं है सर, कब तक आएगा सर? तो उधर आया 3 महीने का है, उसके बाद में फिर नहीं आ रहा है सर। हाँ डब्ल्यू सी आर यू का इस बार नहीं मिल पाया है, और सभी पार्टनर्स लीडर जितना भी हैं कंपनी के सभी लोग को लग रहा है कंपनी कि का तो बिजनेस अच्छा खासा हुआ है सर, फिर भी नहीं मिल पाया। हाँ बहुत सारे चीजों में अच्छा खासा हुआ है, लेकिन कुछ चीजों में उतना अच्छा नहीं हुआ है लॉकडाउन की वजह से। जैसे मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में कंपनी के ऑफिस हैं, तो ऑफिस बिना यूज हुए भी लॉकडाउन के कार्यकाल में ऑफिस का पे करना पड़ रहा है पूरे वर्ल्ड में। कई जगह जैसे एजू कैफे चालू था और वहाँ बंद था लॉकडाउन की स्थिति में, लेकिन उसका पेमेंट पे करना पड़ रहा था। कई बिजनेस उतना अच्छा नहीं चला, तो इस टाइप से बहुत सारे हैं। ब्लॉकचेन में नया उस पर वर्क हो रहा है, तो उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो कंपनी का जो भी बेनिफिट है 1 लाख यूनिट से कम होने की वजह से उसको दोबारा उसको रीइन्वेस्ट कर दिया जा रहा है नए नए प्रोजेक्ट में। तो एक साथ कोशिश किया जा रहा है सब सिस्टम सही हो करके, और फिर एक साथ सबको हर महीने का मिला करके मिलेगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि अक्टूबर के बाद सब समस्या दूर हो जाएगा और सब सिस्टम सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अभी फाइनल नहीं बता सकते, लेकिन अभी 1-2 महीने के बाद ही बेनिफिट मतलब मिल पाएगा सबको बोनस। सर 1 लाख यूनिट से तो ज्यादा बेनिफिट हुआ है कंपनी का इस हाँ तिमाही। हाँ नहीं हुआ था, जो भी बेनिफिट हुआ था, लेकिन उसको कंपनी का डिसीजन था कि रीइन्वेस्ट प्रोजेक्ट में करने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट को अभी बहुत अच्छे ऊंचाई तक ले जाने के लिए काफी मेहनत की जरूरत था। तो उस हिसाब से ज्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट की जरूरत था, तो थोड़ा सा समय और लग रहा है आप लोगों को मिलने के लिए। तो मिलेगा निश्चित रूप से, ऑफिशियल अपडेट इसका कंपनी के माध्यम से आएगा। सर हरविंदर सिंह हैरी जी का सर मीटिंग हुआ था सर कल या परसों में सर, कल हाँ कल के डेट में, तो उसमें बताया जा रहा था सर कि 15 सितंबर के बाद सर नहीं मिलेंगे, तो कंपनी 15 सितंबर के बाद डब्ल्यू शेयर बेचना बंद कर देगी क्या? नहीं, डब्ल्यू सी आर बेचना बंद नहीं करेगा, लेकिन बेचने का जो तरीका होगा उसमें बदलाव हो जाएगा। उसमें जैसे विशेष ट्रेनिंग होगा, और ट्रेनिंग के माध्यम से कंपनी फिर कंपनी के डिसीजन पे ही सारा चीज होगा। अभी फाइनल नहीं हुआ है कि पूरा बंद हो जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो लेंगे उस ट्रेनिंग में जो इन्वॉल्व होंगे और उन्हीं लोग मतलब आगे के काम को करा पाएंगे। उसके लिए जैसे मैं और वेबिनार में बताया कि दो अभी फिलहाल में आज के डेट में 2000 यूनिट से जो इन्वॉल्व होते हैं तो उनको विशेष ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ट्रेनिंग लेने के बाद ही दूसरे को बता पाएंगे। गलत गाइडेंस लोग दे देते हैं, तो ऐसा ना हो करके प्लानिंग किया जा रहा है। जो सर अगर एजुकेशन नहीं लेगा सर, उसके अगर थर्ड पार्टी अगर लेना चाहेगा डब्ल्यू शेयर, तो उसको मिल पाएगा या नहीं सर? अभी तो नहीं फाइनल बोल सकते, लेकिन 10 सितंबर के बाद ही फाइनल आएगा। तब तक अपडेट आ जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है कि पूरी तरीके से उसको किया जाए या फिर उसको कोई अन्य ऑप्शन से रखा जाए। लेकिन मैं ऐसा जैसा मानता हूँ कि विशेष ट्रेनिंग प्रोवाइड होगा, जो ट्रेनिंग लेंगे उस ट्रेनिंग के थ्रू उन लोग सेल करा पाएंगे, मतलब आगे दूसरे को दिला पाएंगे। ओके सर। ओके धन्यवाद। हाँ रविंद्र रविंद्र कुमार जैन जी, इनका तो बहुत समस्या, मेरे पास भी भाई बहुत बार फोन आया है, और हर मीटिंग में इन्वॉल्व भी होते हैं, बहुत सारे मीटिंग भी सुनते हैं, इनके समस्याएं हैं। और हमारे बीच में रिटायरमेंट हैं, और काफी अथक प्रयास से ये कंपनी के काम को किए हैं और इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। हम इनके परिवार से भी बात किया हूँ, मैं कई बार बात करते रहता हूँ, पूरी इनके समस्याओं से अवगत हूँ। इनका समस्या है कि इनका फेस प्रॉब्लम हो गया था, कुछ लीडर्स का सॉल्व हो गया, इनका नहीं हुआ है। तो रविंद्र जी इस पर मैं बता देना चाहता हूँ कि इस पे
काम देखिए दूसरा आईटी डिपार्टमेंट हायर हुआ है तो समय मांगे हैं, तो उस पर काम चल रहा है। 100% नहीं बोल सकते क्योंकि ब्लॉकचेन ऐसा सिस्टम है जिसपे मतलब कंपनी का भी कंट्रोल नहीं है, तो वो नया मतलब उसको या तो फिर उसको ब्लॉक कर दे ऐसा सिस्टम हो रहा है, या तो फिर उस पर कोई नया सिस्टम से आपके वापस तो नहीं कर सकते जितना हो गया, लेकिन उस पर नया की बना दे या तो ऐसा कुछ सिस्टम अगर आ जाता है तो जरूर आपका सहायता होगा। ऐसा मतलब आपका अपडेट है। इसके अलावा अगर आप कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सवाल आपके पूछने से पहले ही मैं अपने अनुमान से आपके सवाल के जवाब दिया हूँ। सर सादर नमस्कार करता हूँ सर। क्वेश्चन तो दो है सर मेरे पास में। आज आपने एक स्कीम सर बहुत ही शानदार और फायदेमंद है सर, बहुत ही शानदार है, किंतु अभी हम लोगों को इतना नॉलेज तो है नहीं है कि हम उसको स्टार्ट कर सके या कुछ कर सके। किसी को सीनियर तो फिर किसी सीनियर्स को मुझे पकड़ना पड़ेगा। उसकी क्या गारंटी है कि कल के दिन वो भी हमसे दगा ना कर जाए, या हमारे जो भी हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें वो अपने हिसाब से फिर मेरे को अपने के कवर में ना ले ले? क्या करना चाहिए सर इसके लिए? वो कंपनी से कहेंगे तो आपने अपना बोले ये नहीं किया वो नहीं किया। अभी आपने दिया सर आज बहुत शानदार स्कीम बताई है सर, बहुत फायदेमंद है और इंटरेस्ट भी है पूरा काम करने का, मुहूर्त नहीं है। किंतु सवाल ये कि अकेले दम पे तो कुछ किया नहीं जा सकता, नहीं किया किसी सहयोग लेना पड़ेगा। सपोज करो क्षमा चाहता हूँ मैं, आपका सहयोग ही ले रहा हूँ मैं, और आपको मैं अपना पूरा बायोडाटा सबके हाथ में रहेगा और कल के दिन वो ही मेरे को दगा दे या वो मेरे को ले जाकर के फिर वो मेरे को सब पूरा का पूरा आपने कैप्चर कर ले, तो उसके लिए कौन फिर मैं क्या करने लगूंगा? इसकी क्या सिक्योरिटी कंपनी के पास है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा? देखिए इस पर मैं अपना यही विचार देना चाहूंगा कि अपना चीज खुद से ही अगर करें तो ज्यादा अच्छा है। अभी के डेट में भाई भाई का नहीं है, कहने का मतलब है कि अपना अपना आदमी भी जब पैसे के मामले में या तो कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो विश्वासघात लोग कर देते हैं। तो मैं सबकी गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं पूरी तरीके ईमानदारी के साथ में काम कर रहा हूँ। अभी तक कोशिश कर रहा हूँ कि किसी का एक रुपये का नुकसान ना हो, इसी उम्मीद के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि किसी लीडर्स किसी का वैलेट ले लिया हो, हैक कर लिया हो, चोरी कर लिया हो, तो कई लोगों की मानसिकता अलग अलग होती है, तो उस पर कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती है। कंपनी ऐसा बताया भी है, तो उस पर आप लोगों को सजग होना है, सीखना है और कोशिश करना है कि अपना आईडी और पासवर्ड किसी को ना दें और खुद से ऑपरेट करने सीखना है। बहुत सारे हम वीडियो बनाते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो उस चीज़ों को बताइए कि हमको ये चीज़ सीखना है, हम उसको सिखाएंगे। एक बार में आपको नहीं आता है दो तीन बार करके सिखाएंगे ताकि उसको सीख के आप खुद संचालित कर सके। सर फिर भी किसी ना किसी को तो सीनियर बनानी पड़ेगा ना सर? नहीं सीनियर बनाइए, जैसे आप बैंक में पैसा जमा किए हैं तो बैंक मैनेजर के थ्रू किए हैं, लेकिन आपके पास सारे उसके डिटेल्स हैं, ठीक है? आप लेके जाइए और आपके पास ही रहने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सब उसी को दे दीजिए, आप बोल दीजिए कि भाई तू जितना मर्जी है जो करना है कर देना, मेरे पास समय नहीं है या तो नहीं है। तो ऐसा में क्या होता है कि कब किसकी मानसिकता क्या हो जाए उस कंडीशन में आप सुने होंगे कई बार कुछ गड़बड़ी हो जाता है, तो ऐसा ना करें। पिछली स्थिति में यही हुआ है ना सर? पिछली स्थिति में यही हुआ है सर? जी नहीं उस पर स्थिति में यही हुआ है। क्वेश्चन नंबर दो दूसरा और लेना चाहता हूँ सर मैं एक और। हमारे साथ में जो 6 लोग थे जिनमें 2 लोगों का आ चुका है वापस, 4 लोगों का नहीं हुआ है, वो कैसे रुक गए सर? जैसे ना आप ही का समस्या नहीं हमको लग रहा है, कंपनी ने 2 लोगों का कर दिया है 4 लोगों को छोड़ दिया। नहीं मतलब देखिए कई लोगों का कई तरह से प्रॉब्लम था। कुछ लोगों को प्रॉब्लम था कि बनाते बनाते आईडी उनका ऑटोमेटिक जनरेट हो गया था। हमारे केस में हम लोगों के 6 के केस में सेम पोजीशन है सर, 6 लोगों के केस में सेम पोजीशन है, कोई भी डुकर नहीं। हम लोग सीआरयू से डब्ल्यूसीआरयू कन्वर्ट करने के समय उसमें जनरेटेड करके आ गया 6 के लोगों 6 लोगों में, और उन्हीं 6 लोगों को हम आपको इंटीमेशन दे रहे हैं, जिसमें 2 के वापस आ गए, 4 के बचे हुए, अभी 4 के बोल रहे साहब हम नहीं देंगे। अरे हाउ मे बी पॉसिबल सर, जब 2 के दे रहे हैं तो आप 4 के दीजिए, वही नियम के कानून है, वही सब चीजें हैं। ये सब हरासमेंट करने की चीज नहीं हो रही है क्या सर?
तो इस पे यही कहना चाहूंगा, अभी 1-2 हफ्ते का और हम लोग कोशिश जितना भी बन रहा है कर रहे हैं, और कुछ कुछ चीज ऐसा होता है कि समय के आने के बाद ही सॉल्व हो पाता है। अगर मेरे बस के बात रहता, मेरे पास हाथ में रहता, मैं आईटी डिपार्टमेंट में काम करता, तो सबसे पहले आपका प्राथमिकता देता और सबसे पहले आपकी समस्या को दूर करता। मैं इस बात को मानता हूँ और मैं आपके साथ भी हूँ कि आपका समस्या जल्दी सॉल्व होना चाहिए, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट में भी कई जिम्मेदारी हैं जिसके वजह से, और बहुत लोगों का डाटा इस टाइप से हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप सबका करेगी इस टाइप से अपडेट आया है। बाकी एकदम श्योर आपका नहीं बता पाएंगे कि कब डेट तक हो पाएगा, लेकिन धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि ज्यादा अगर ध्रुवे आप सर, ध्रुवे सर एक निवेदन है, जी सीआरयू में मेरे पास तीन तीन देवता है, जी जी आप, अरविंदर साहब और एक और है। अब जब तीनों लोग, तीनों अपने देवता आप लोगों को नहीं पहचान पाएंगे, हम लोगों को नहीं कर पाएंगे, तो कहाँ जाएं हम लोग सर? नहीं, ऐसे लॉस उठाते पहचान सर, 1.5 लाख का नुकसान है सर मेरे व्यक्तिगत, 1.5 लाख का। आप धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। उसके अलावा और कोई आपके सवाल हैं? बस सर यही है। अब इसमें इंटरेस्ट आपकी आज की इन कंपनी में भी पूरा इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ, कि जो डर दिमाग में लगा हुआ है कैसे आगे बढ़े, नहीं बढ़ सकता सर। तो थोड़ा सा धैर्य पूरा बनाए इंटरेस्ट, रखिए। बहुत अच्छा स्कीम लगी आज की, कि जो दिमाग में यही बैठा हुआ है, कल के दिन अगर किसी का कुछ हो जाएगा फिर कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए आपका समस्या तो है, लेकिन आप 60% लीडर्स फोन ही नहीं उठाते हैं। नहीं, हो सकता है कई कारणवश नहीं उठाए होंगे, हो सकता है कि कभी मैं भी नहीं उठा पा रहा हूंगा, क्योंकि नहीं, मेरा आपका आपका 9 से लेके 10:30 के बीच में हर स्थिति में उठता है, हाँ नौ नहीं, से क्योंकि साढ़े दस के बीच में, बस कई साढ़े दस के लोग बाद मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है, और 9 के पहले ट्राई नहीं किया, 9 से 10:30 के बीच आपसे हमेशा बात हुई है मेरी। और कभी कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा होने के बाद जिम्मेदारी बड़ा हो जाता है, काम भी बड़ा हो जाता है, लोगों के फोन भी ज्यादा आने लगते हैं, तो हो सकता है कभी कभी फोन ना उठा पाए, लेकिन सर मैं पर्सनली नई स्कीम में मुझे जाना है, तो मैं कैसे जाऊं और पूरे आत्मविश्वास के साथ कैसे आगे बढ़ जाऊं? बस इसका अभी सलूशन यही है कि धैर्य बनाए रखिए, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, और हम लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि आपकी समस्या जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। ओके सर, आपको साधुवाद धन्यवाद देता हूं सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपको हृदय से। धन्यवाद धन्यवाद ओके सर, सर, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार नमस्कार। शरद चंद्र जी, शुभ रात्रि। नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार। सर जी, पहले आपने जो प्रेजेंटेशन दिया वो बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा, उम्दा था। थैंक यू सर। मेरे ग्रुप में एक बंदा था जिसकी कोरोना की वजह से डेथ हो गई, जी, तो वो बंदे ने उसके दो उसका की और पासवर्ड जो था वो उन्होंने बनाया था, दो जी, ही तीन ही लोग थे। तो ठीक है। वो बंदे के फैमिली में खाली उसकी मिसेस और वो है, लेकिन उसने कहा रखा है कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब उसके लिए वो पासवर्ड और की के लिए क्या कर सकते? तो उनका की बनाए हैं खुद से, तो उनका की कहीं पे है, आपको जानकारी है? नहीं, उसने जो उसके मोबाइल में कहाँ पर तो रखा था, लेकिन अभी वो मोबाइल भी नहीं मिल रहा है, और उसकी जो डायरी थी वो भी नहीं मिल रही है, वो एक्सपायर हो चुका है। वो कोरोना की वजह से एडमिट था, और बीवी बच्चे वो दूसरी जगह पर थे, और अच्छा, वो कोरोना में 3 दिन के अंदर ही लुढ़क गया, इसलिए फैमिली को भी पता नहीं चला, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो बीच में एक बार गूगल फॉर्म निकाले थे हम लोग प्रॉब्लम वाला, उसमें भरे हैं क्या? अभी हुआ है सर जी, ये लेटेस्ट ये 8-10 दिन की बात है सर। अच्छा, तो इस पे ना, मतलब इस पे अभी डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते क्या हो सकता है, लेकिन ये फेस दोबारा जनरेट करने या ऐसा ही कुछ सिचुएशन होगा, तो इस पे कोई फॉर्म आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, और फॉर्म उसको भर दीजिएगा, कोशिश करेंगे कि कुछ इस पे सोल्यूशन निकल जाए, क्योंकि ब्लॉकचेन पे की का प्रॉब्लम है, तो की नया अगर जनरेट हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो बाकी आईडी ट्रांसफर या नॉमिनी नाम चेंज नॉमिनी हो तो सारा चीज हो जाए। हाँ तो अभी तो बाद में करना पड़ेगा सर जी, वो तो पहले बाद में उनका होता ये उसका उसका एक फ्रेंड, उसका बेटा और उसके खुद के, ऐसे तीन ही आईडी का प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं। जी।
मेरा नंबर उसमें आपके उसका पास होगा, और अगर नंबर नहीं होगा तो किसी भी लीडर से ले लीजिएगा। चलेगा सर जी, तुम्हारा नंबर मैं लेता हूँ किसी से, हाँ नहीं तो है तो बता दीजिए सर, मैं लिख लेता हूँ। एक मिनट देखता हूँ। चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, जिनके लगभग तो ऑलमोस्ट सबके पास ही है, अगर ऐसा किन्हीं का आता है समस्या तो। चैट बॉक्स में डाल दिया हूँ, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, लेकिन अनावश्यक कभी कभी ऐसा होता है कि फोन ना उठा पाऊँ तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे आप लोग की जो भी समस्या है। मेरा नाम शरद चंद्र कोतकर है, याद रख लीजिए सर, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ, पुणे महाराष्ट्र। जी 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 व्हाट्सएप, आप विजय रावल की टीम से हैं? हाँ जी, हाँ जी 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 ठीक है सर, यही सवाल था आपका। हाँ जी, हाँ जी। और एक छोटा सा क्वेश्चन था सर जी, अगर इंडिया में हमें वो जो डिविडेंड मिलता है जी, तो उस पर इंडियन आईटीआर एक्ट के अनुसार हमें क्या, इसकी क्या सुविधा हो सकती है सर? हमें टीडीएस कट के मिलेगा, जो भी जैसे आईएनआर में जो लेंगे आप ना, तो टीडीएस कट के मिलेगा और हाँ उसके हाँ थ्रू आप आईएनआर में ले पाएंगे। जैसे आप विड्रॉल अभी करते हैं तो टीडीएस कट के मिलता है, तो रिटर्न फाइल जब भरेंगे तो सारा चीज आप दिखा पाएंगे कि यहाँ से मेरे को आया है और उसका बेनिफिट ले पाएंगे। और वो जो अपना ग्लोबल यूनिट पे का जो कार्ड है हाँ, वो इंडिया में लॉन्च हुआ कैसा सर जी? लॉन्च होगा लेकिन यहाँ समय लगेगा, क्योंकि ये पूरा ब्लॉकचेन सिस्टम पे आधारित कार्ड रहेगा, तो जो कि इंडिया में अभी सिचुएशन देख ही रहे हैं, तो स्थिति को देखते हुए ब्लॉकचेन पे अभी उतना ज़्यादा वर्क इंडिया में कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो आने वाले समय पे बहुत जल्द मतलब इस पे विचार करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल कर ये कार्ड सब तक प्रोवाइड हम लोग कराएंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। जी कार्ड भी हो सकते हैं सर जी, जी जी वर्चुअल कार्ड हो सकते हैं सर जी, उसके लिए हाँ तो वर्चुअल, हाँ वर्चुअल कार्ड हो सकता है, वर्चुअल कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और आखिरी गुड न्यूज के लिए सर जी, डिविडेंड इंडियन जो मेरे ग्रुप से वो हर बार पूछते हैं डिविडेंड कब से। डिविडेंट अगर बोला जाए तो डिविडेंट जो प्रॉफिट बोनस था उसी का नाम डिविडेंट हो जाएगा, तो ये फाइनल रूप से अगर सब सही चलने लगेगा तभी जा करके सबको मिलना शुरू होगा फिर से, देना दे रहे थे लेकिन फिलहाल में वो कर दिए हैं, और जैसा डिसीजन आएगा मतलब कोर कमेटी हमारे मेंबर एम्बेसडर सबका मीटिंग होता है, उसमें डिसीजन लिया जाता है कि क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में लग रहा है पैसा वहाँ लगाना चाहिए या लोगों को दे देना चाहिए, जैसा पूरे वर्ल्ड का वोटिंग होगा उसके अनुसार मतलब हम लोगों को मिलेगा, तो जल्द से हम आपको न्यूज, आप लोगों को न्यूज मीटिंग के माध्यम से या फिर ऑफिशियल न्यूज के माध्यम से मिल जाएगा। और सर जी आखिरी में एक छोटा सा क्वेश्चन सर जी, नैसडेक पर लॉन्च होगा या कैसा सर जी? डब्ल्यू सी आर यू की बात कर रहे हैं? डब्ल्यू सी आर यू या और अपना आईपीओ कैसा सर? हाँ तो अलग अलग जगह पे होगा लेकिन अभी उसमें लंबा टाइम लगेगा, सबसे पहले इसीलिए ब्लॉकचेन सिस्टम पे आधारित जितना जैसे कंपनी के खुद यूनिटेक्स है तो इसमें भी डब्ल्यू सी आर यू आएगा आने वाले समय में, और बाद में फरवरी के बाद सब चीज पता चल पाएगा, फरवरी के बाद मतलब आपको क्लियर हो पाएगा कि कहाँ आएगा और उसकी प्लानिंग रोड मैप हर चीज आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर जी। ओके धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सुबोध कुमार प्रसाद जी, हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सुबोध जी। हाँ सर, सीआरयू का सर रेट सर बढ़ नहीं रहा है क्यों सर? बहुत कम होते जा रहा है। सीआरयू का रेट अभी रहेगा ऐसे कुछ दिनों का और है,
धीरे धीरे करके बहुत सारा बात चल रहा है। हम लोगों का सोमवार को मीटिंग हुआ था, अभी 26 लगभग 26 एक्सचेंज पे बात चल रहा है, लेकिन फाइनल कोई भी एक्सचेंज पे नहीं हुआ है, बात चल रहा है। अगर दूसरे एक्सचेंज में लिस्टिंग भी अगर हो जाते हैं और लिस्टिंग होने के बाद भी हमारे एक्सचेंज में लोग, अगर सिस्टम सही नहीं रहेगा, सही तरीके से वर्क अगर नहीं करेगा तो कोई भी क्यों आना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं कम लोग आएंगे और सिस्टम उतना अच्छा अभी वर्क, कहना चाहिए कि सिस्टम सही नहीं होने की वजह से कई लोगों का समस्या ही नहीं सही हुआ है, बहुत सारे चीज है जिसकी वजह से विलम्ब और हो रहा है। तो सब सिस्टम सुचारू रूप से चलने लगेगा, उसके बाद अदर एक्सचेंज में भी आएगा, क्वाइन मार्केट कैप में भी आएगा, रेट भी बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा यूएनटीबी का रेट, सीआरयू का रेट देखने को मिलेगा। जो लीडर्स अभी तक सीआरयू नहीं कन्वर्ट कर पाए उनको भी हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, आने वाले समय में बहुत अच्छा सीआरयू का भी वैल्यू होगा, क्योंकि जब रेट बढ़ने लगेगा तो इसका भी बहुत अच्छा आने वाले समय पर रेट जाएगा। सर इसमें सर डब्ल्यू सी आर यू बहुत सारा आदमी सर कन्वर्ट नहीं किए कर पाया है, जो नहीं कर सर, उसके लिए कोई अभी उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, फिलहाल में कोई ऑप्शन नहीं है। बस यही ऑप्शन है कि वो दोबारा डब्ल्यू सी आर यू को खरीद के डब्ल्यू सी आर यू भी कुछ रख लें और कुछ सी आर यू जितना है सी आर यू में ही रहने दें। अब सर बहुत सारा आदमी तो रह गया है सर, उसमें तो लगभग आदमी तो रह गया है, नहीं बहुत ज्यादा जमीन में लीडर लोग तो कर लिए, हम लोग तो कर लिए हैं, बाकी सब तो रह गया है सबके। जो एक्टिव नहीं थे, जो जानकारी नहीं लेना चाहते हैं या तो एक्टिव नहीं रहते हैं वैसे ही लीडर रहे, नहीं तो लगभग लगभग सभी कन्वर्ट कर दिए हैं। फिर भी 10 बिलियन के लगभग सीआरयू, 10 बिलियन है लगभग सीआरयू अभी है, बाकी सब डब्ल्यू सीआरयू में कन्वर्ट हो गया है। तो उसमें से कुछ लोगों का तो कुछ आईडी भूल गए, कुछ लोग किए ही नहीं है, कुछ लोग कभी खोल के ही नहीं देखते हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग समस्याएं हैं। और तो वही रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं कन्वर्ट किए हैं तो कन्वर्ट अभी भी कर सकते हैं या फिर डब्ल्यू सी आर यू अलग से खरीद लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर उम्मीद क्या लगता है सर डब्ल्यू सी आर यू का कितना जाएगा लगभग? उम्मीद देखिए एक आदमी पे डिपेंड नहीं है, ये पूरे कम्युनिटी पे डिपेंड है। कम्युनिटी जितना अच्छा सपोर्ट करेगा, सभी लोग जितने अच्छे सपोर्ट करेंगे उतने अच्छा सभी का रेट हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे, जैसे डब्ल्यू सी आर यू हो या सी आर यू हो। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि को ओनरशिप के तहत सब लोग बेनिफिट तो लेना चाहते हैं, डिविडेंड बोनस सब कोई लेना चाहते हैं, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं करना चाहते हैं, समस्याओं पे वर्क नहीं करना चाहते हैं। कंपनी के आज अगर अच्छा समय नहीं चले तो उस पे सपोर्ट कोई नहीं करना चाहते हैं। तो वही है कि अगर को ओनरशिप के तहत हम लोग सब लोग हैं तो सब लोग बेनिफिट के हकदार होंगे आने वाले समय पे। अगर रेट बढ़ता है, जैसे मैं अगर काम कर रहा हूँ, अब काम करते हुए काफी लोग मेरे साथ इन्वॉल्व होते जाएंगे, इन्वॉल्व होंगे और रेट बढ़ेगा, तो रेट बढ़ेगा तो सबका बेनिफिट है उसमें, सबका भला आने वाले समय पे होगा। तो सब लोग अगर सहयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा कंपनी के प्लेटफॉर्म है, आने वाले समय पे जो कंपनी का सपना है वो भी पूरा होगा और जो 1250 यूनिट का जो सपना है वो भी बहुत जल्द पूरा होगा। सर बहुत सारे लीडर लोग तो कुछ सुनते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं, सब दूसरे दूसरे कंपनी में चले जा रहे हैं। अब देखिए जाने आने वाले को तो नहीं रोक सकते, जिसको जहां जाना है वो जाए, लेकिन प्लेटफॉर्म इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ करके मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं अन्य जगह जाने की जरूरत है। आने वाले समय में जब सही सब सिस्टम हो जाएगा तो सारे लोग कमबैक होंगे और फिर से वो दिन आएगा अच्छा सब लगने लगेगा। जो अच्छा जिनको नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि अभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो अच्छे के तलाश में कहीं अन्य जगह जाकर नुकसान भी कई लोग कर देते हैं, दोबारा फिर से आते हैं। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा लोगों का आना जाना, उससे हम लोगों को प्रभावित नहीं होना है, अपने काम को अग्रसर रखना है। ठीक है सुबोध जी, आपका क्लियर हो पाया होगा? और किसी भी लीडर का अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आज इस वेबिनार को यहीं पे समाप्त करेंगे।
अगर किसी भी लीडर्स का है तो हैंड रेज कर सकते हैं, या सपोर्ट सिस्टम में भी, यहाँ पे चैट सिस्टम में भी लिख सकते हैं। शरद चंद्र जी का तो हो गया था, वो अभी तक ओम प्रकाश जी का नारायण अनम्यूट करिए, ओम नारायण जी अनम्यूट करिए अपने आप। सर गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर मैं इधर तेलंगाना से बोल रहा हूँ। जी। तो अभी जो नया लोगों को लाना बोलो तो पहले का कहाँ पर रजिस्टर करना और कितने से कितने यूनिट से अपन उसको पैकेज दिला सकते हैं WCRE का। एवोरिज से आपको इन्वॉल्व करके रेफरल एवोरिज में दे करके यूजी पे में जा करके मिनिमम 10 यूनिट से इन्वॉल्व करा सकते हैं। ओके। जी और एपीएस से ना होता सर। एपीआई से नहीं करना है आपको, एवरेज से करना है। अब मिनिमम 10 यूनिट्स का अपन उसको पैकेज दिलाया तो कितना कितना WCR मिलता सर। पिछला मैं शायद वेबिनार को आप नहीं सुन पाए होंगे, उसमें था शायद 13 ऐसे कुछ था, एक बार देखना पड़ेगा एग्जैक्ट। ओके ओके। यूजीपी में उसमें पैकेज रहता ना। यूजी पे में रहेगा वो, दिखेगा आपको। हाँ ओके सर देख सकते हो। जी, देख सकते हैं आप, खुद खोल करके देख सकते हैं। और ये दुबई का क्या सर लास्ट वेबिनार में सर बोला था। दुबई का इवेंट जाने के लिए पूछ रहे हैं, हाँ वो कब होगा। अभी एग्जैक्ट फाइनल डेट नहीं हुआ है, 2-3 दिन में क्लियर होगा, बैक ऑफिस में आएगा। उम्मीद है कि 10 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच में समय आएगा, डेट आएगा, अक्टूबर में। अच्छा बैक ऑफिस से टिकट पहले बाय कर लीजिए, अभी हाँ लिमिटेड सीट है, मात्र पूरे वर्ल्ड में 500 सीट ही रखा गया है, कोविड काल को देखते हुए मात्र 500 सीट ही है। इसके बाद और इसकी कोई भी ऑनलाइन मीटिंग रिकॉर्डिंग नहीं होगा, कहीं भी प्रसारित भी नहीं किया जाएगा, और जो भी मीटिंग होगा उस मीटिंग को जो जाएंगे वही सुन पाएंगे। ओके सर थैंक यू। ओके धन्यवाद। आर के गौतम जी। हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर मेरा क्वेश्चन दो है। पहला जी। क्वेश्चन है सर कि जो मार्च महीने में CRU to CRU जो स्टैकिंग किया गया था वो 8% रिलीज होने वाला था जुलाई के महीने में, जी तो सर उसमें सिर्फ 4% ही दिखा रहा है। आपको 4% ही मिलेगा सर, 4% आपको एक ही बार मिलेगा पूरे समय अवधि पूरा होने के बाद, जी 4% आपको मिलते जाएगा, और 4% आपका वहीं पे कलेक्ट होते जाएगा, जमा होते जाएगा, एक साथ आपको मिलेगा। 4% वन टाइम मिलेगा। हाँ एक साथ मिलेगा, वो प्रिंसिपल के साथ में मिलेगा। अच्छा तो सर उसमें ये भी ऑप्शन दिया गया है कि जो अभी CRU को WCRU में कन्वर्ट कर रहे हैं जी वो उनके लिए ऑफर रहेगा। अभी रहेगा, ऐसा फाइनल नहीं है, मतलब अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद कम ही लग रहा है। सर अभी तो काफी मीटिंग्स में हरविंदर सर भी बोले हैं, अतुल गुप्ता भी बोले हैं। अगर ऑप्शन आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर जब हो जाए तभी विश्वास करिए। कुछ कुछ चीज ऐसे होते हैं जो सामने आने के बाद ही कुछ चीजों को फाइनल बोला जा सकता है, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि अभी बोल देंगे कि हो जाएगा, फाइनल अगर नहीं होता है तो वो भी कंफर्मेशन एकदम क्लियर ऑफिशियल अपडेट नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑफिशियल अपडेट को ज्यादा विश्वास करिए, और ऑफिशियल जो भी न्यूज में आता है तो वह सही रहेगा। सर दूसरा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो CRU को WCRU में कन्वर्ट कर रहे थे तो कुछ लोगों का पेंडिंग में चला गया टीम में, तो उसके लिए कंपनी ने कुछ कैंसिल का ऑप्शन लाने वाली थी, कब तक लाएगी। 1 से 2 हफ्ता लगेगा उस पे भी, 1 से 2 हफ्ता में कैंसिल बटन आ जाएगा, उसे कैंसिल कर दीजिएगा, वापस हो जाएगा वो।
या फ्रोजन में ले सकते हैं, उसको फिर WCRU में कन्वर्जन कर सकते हैं। नहीं फिर तो वापस आ जाएगा, क्योंकि अगर करेंगे तो ज्यादा चार्ज लग रहा होगा, इसलिए आप नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं जी तो जी पूरा चार्ज जितना लग रहा है उसको पे करेंगे तो WCRU अभी भी बन जाएगा, लेकिन उसको ना करना चाह रहे हैं तो वापस CRU आ जाएगा। हो जाएगा सर ना? हाँ हो जाएगा। ठीक ठीक सर, थैंक यू। ओके गोविंद जी अनम्यूट करिएगा। गोविंद जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं मेरा अकाउंट कम से कम 3-4 महीने हो गए यूनिटेक्स अकाउंट को जी, फ्रीज हुआ पड़ा है, फ्रीज हुआ पड़ा है। अनफ्रीज के लिए मैंने कम से कम 50 मेल कर चुका हूँ चेक सपोर्ट पे, चेक सपोर्ट पे बात कर चुका हूँ, और मेरा वो अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो रहा सर। तो आप मेल में पूरे डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं क्या? जैसे मेल आईडी है उसमें की तरफ से मेल जो आता है उसमें मेल में दोबारा डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं क्या? नहीं, वहाँ जो यूनिट टैक्स पे जो मैसेज है वहाँ वहाँ तो किए हैं, सपोर्ट पे किए हैं। अच्छा नहीं सपोर्ट से नहीं, यूनिट मेल जो आता है ना। दूसरा दूसरा अकाउंट भी बनाया है बेटे के नाम से, उस पर भी आधार कार्ड मैंने 3-4 बार उसको डाल चुका हूँ, लेकिन वो भी वेरीफाई नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ या तो डालने में मिस्टेक कर रहे होंगे, चाहे जैसा भी होगा उसपे, मतलब अभी अभी इंडिया से मतलब आईटी टीम में वर्क करने के लिए लगे हुए हैं, तो जल्दी से समस्या दूर होगा। एक से दो हफ्ते का समय और लीजिए, अब आप कोशिश जारी रखिएगा, और नहीं होगा तो सेंड करिए, एक बार मैं उसको चेक करवाता हूँ। मेरे को आप भेजे थे क्या? नहीं आपके पास नहीं भेजा सर। एक बार सेंड करिए, एक बार उसको चेक कराते हैं कहीं कुछ। तो मैं भेज देता हूँ सर। जी जी मेरे पर्सनल में व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जी जी नंबर मेरे पास है आपका। ठीक ठीक ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। सुबोध जी के सवाल हो चुके थे, अब किन्हीं और पूछना अगर चाहते हैं तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। अगर आप लोग अगर चाहते हैं कि समाप्त किया जाए तो सपोर्ट में अरे इस चैट बॉक्स में 10 टाइप करिए, ताकि अब इस वेबिनार को यहीं पे फिर से दोबारा आप ही लोग के आ रहे हैं, सुबोध जी का इनका, बाकी तो किसी अन्य का नहीं आ रहा है। सभी लीडर्स को जैसा देख पा रहा हूँ सपोर्ट में चैट बॉक्स में, उसके अनुसार मैं इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ में पूरे मीटिंग को सुना, और सुन करके मैं आपके सवालों का जवाब दे पाया हूँगा, ऐसा मैं कोशिश किया आपके सवाल के जवाब देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप कंपनी के मिशन विजन को समझ पाए होंगे, और आगे इस वेबिनार को सुन करके अपने आप को कुछ अगले पायदान में ले जाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।